पादोतर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। बोले क्यों? बोले कारण है, हम सबके सब ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। इसका मतलब है कहते एक जन्म नहीं, जब करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय होता है तभी ये भागवत कथा को कोई रख सकते हैं और कथा को कोई सुन सकते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे ये जगत में ऐसे कुछ काम हैं, अगर आपके पास में अर्थ हो पैसा हो जो काम को आप पैसा के बल पर कर सकते हो, जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर तुम्हारे पास में लोक बल हो मदद करने वाले कोई हो जो काम को तुम कर सकते हो, जगत में ऐसे कुछ काम है अगर कुछ भी नहीं हो अगर तुम्हारे पास मन का बल हो ना जो काम को तुम कर सकते हो, लेकिन जगत में ऐसे कुछ काम है अगर तुम्हारे पास में आत्मा बल हो जो काम को कर सकते हो। लेकिन गुरु जी कहते थे कि जो भागवत कथा घर में रखवाना और भागवत कथा सुनना और पूरा परिवार को बुला कर कथा सुनाना, कि गुरु जी कहते थे न तो कोई शरीर का बल से कर सकता है, न तो कोई पैसा का बल पर कर सकता, न तो कोई मन का बल पर, न तो आत्मा बल पर, जब तक ठाकुर जी की बांके बिहारी जी की और गुरु जी की कृपा बल नहीं हो कभी कथा कोई रख नहीं सकते, कथा कोई सुन नहीं सकते। जिस घर में ये भागवत कथा हो, श्री सुत गोस्वामी कहते हैं बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युतादर कथा प्रसंग। जहाँ पर ये भागवत कथा हो बोले गोस्वामी कहते हैं सर्वाणी तीर्थानी बसंत तथा, मतलब है पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है उसी घर में आकर निवास करें। कौन सा घर में? जिस घर में ये भागवत कथा, भागवत कथा आपको पता है बंदे बेटा पूरा कितना तीर्थ है आपको पता है? कहते 6 अरब। कितने? आप बताओ 1 अरब कितना होता है? 100 करोड़। 1 अरब चलिए 1 अरब होता है। आप कहते हैं जिसको घर में भागवत कथा हो बोले 6 अरब, मतलब कितना हो गया 600 करोड़ तीर्थ उसी घर में आकर के निवास करते हैं जिस घर में ये भागवत कथा जाए। देखो लगा दे टूट जाएगा। और एक चीज को समझो, अगर कोई व्यक्ति 600 अरब तीर्थ में नहाना चाहते हो आप बताओ कितना पैसा खर्चा होगा? अरब खरब रुपया खर्चा हो जाएगा तभी ये 600 करोड़ तीर्थ में नहा नहीं सकते हो। लेकिन श्री सुत गोस्वामी कहते हैं ऐसे कौन सा उपाय है जो एक साथ में हम 600 करोड़ तीर्थ में एक साथ में स्नान कर सकते, ऐसे कोई उपाय है? कहते एक उपाय है, जो व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत कथा सुनता है आपको एक साथ 600 करोड़ तीर्थ में बैठ बैठ करके आपकी स्नान हो गया। जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुन लेता है बोले श्रीमद् भागवत कथा की। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को भी ये बात कहते हैं। कौन कह रहे हैं? भोले बाबा। किसको कह रहे हैं? पार्वती को। देखो जगत में अगर कोई साधारण व्यक्ति कोई बात बोले ना बोला अरे ये भक्ति का क्या महत्व है, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ बात बोलता है भैया वो दम है, क्योंकि ये बात मोदी बोल रहा है जरूर उसमें कुछ दम है।
इसलिए स्वयं शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती ये भागवत कथा की कितने दुर्लभता है, क्या कहते हैं, बोले सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति पार्वती जगत में जो सत्संग और जो भगवान की जो कथा है पार्वती, ये जगत में बड़ा दुर्लभ है पार्वती। कहते निमिष दंड भर एको बारा, अगर जीवन में एक दंड, कहते ना आधा, एक घड़ी, आधी घड़ी, कहते आधी से पुनी आद तुलसी सत्संगत में नासे कोटि अपराध, इतने महिमा शंकर जी कहते हैं। इसलिए पार्वती बड़े भाग्य से ये भागवत कथा सुनने को मिलता है, बड़े भाग्य से। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते भागवत कथा की कितने दुर्लभता, बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस। देख कितनी बड़ी बात कहते हैं, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी किस्मत में भी ये भागवत कथा सुनने के सौभाग्य नहीं मिलता है। हम आगे सुनेंगे, जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, 33 करोड़ देवता, जिन जिन देवताओं को हम घर में पूजा करते हैं वो स्वर्ग से उतर करके आए, खाली हाथ में नहीं आए, अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, आप परीक्षित को क्यों कथा सुनाने जा रहे हैं, माताएं ये दो माता को अलग कर दो, ए आप दोनों अलग हो जाओ, अलग हो जाओ दोनों। देखो नियम है कथा सुनना, तो इधर सुन लो, कथा सुनना तो आप जिसको जानते हो ना उससे थोड़ा अलग कर बैठे, क्योंकि माताओं के अंदर ये गुण है, बैठेगे तो दो व्यक्ति बात कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए जो जानते हो ना थोड़ी अलग हो। इसलिए देखो ध्यान देकर सुनो ये कथा की कितने दुर्लभता है। इसलिए कहते हैं आप कहते परीक्षित को क्यों कथा सुन रहे हो, बल इनको श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दे दिया 7 दिन में ये तक्षक इनको दंशन करने वाला था, कम कर दंशन करने वाले, इसलिए कथा सुना रहा। बोले हम स्वर्ग से अमृत कलश लेकर गया, लो ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो, इसकी विनिमय में हमें थोड़ी सी ये भागवत कथा सुना दो। देखो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले को कथा को मणिर महान। उदाहरण देते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक कांच की टुकड़ा लाए, बल्कि कांच की टुकड़े लो और तुम्हारे पास में जो मणि है ना वो मणि मुझे दे दो, आप दोगे, बोलो। बोले कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि, कहते उसी तरह जो स्वर्ग का जो अमृत है उसको क्या कहते हैं, कहते ये टूटे फूटे के कांच के टुकड़े हैं, लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा ये क्या है, बोले मणि, ये मणि है, ये भागवत कथा नहीं। बोले कृष्ण स्वयं, जिस समय भगवान कृष्ण ये जगत छोड़कर के जा रहे थे वहाँ पर श्री उद्धव जी थे, बोले प्रभु आप तो जगत छोड़कर के जा रहे हो, अभी मैं किसको आश्रय लेकर के रहूँगा। तब कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले हे उद्धव, मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ लेकिन कलयुग में मैं दूसरे स्वरूप में रह भी रहा हूँ। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु जी आप कलयुग में किस रूप में रहोगे। बोले उद्धव, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में मैं कलयुग में रहूँगा। जो व्यक्ति कलयुग में ये भागवत कथा सुनेगा, ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग नहीं। इसलिए आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, बांके बिहारी से, गोविंद जी से, गोपीनाथ जी से हम मिल रहे हो, कथा नहीं सुन रहे हो, ठाकुर जी को साथ में साक्षात रूप में ठाकुर जी को साथ में मिल रहे हो, हैं?
इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं ये बात को, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये जो स्वर्ग का जो अमृत है ये कथा को सामने कुछ भी नहीं, ये स्वर्ग का अमृत। आप लोगों ने कभी कुंभ मेला में कहीं गए हो, जैसे हरिद्वार में, प्रयाग में, कौन कौन गए हो, कभी गए हो हरिद्वार में गए हो, हाँ इलाहाबाद में गए होंगे, इलाहाबाद में नहीं गए, हरिद्वार में गए हो, कितने लोग होते हैं जो सही स्नान होता है ना, लाख लाख लोग होते हैं। 15 किलोमीटर दूर पहले वहाँ पर बंद कर दिया जाता है। आपको पता है ये कुंभ मेला क्यों होता है? देखो ये कथा की महत्व सुन लो और इसको याद रखना, ठीक है? कहते जिस समय श्री करुण ने अपना माँ विनोदा को दासीपण से मुक्ति करना चाहते थे, कद्रु ने कहा देखो तभी तेरे माँ को मैं मुक्ति कर सकती हूँ अगर स्वर्ग से अमृत ला करके अगर मेरे को दे दो। तो गरुण गए स्वर्ग में, इंद्र तो देना नहीं चाह रहा था, जोर जबरदस्ती अमृत लाए और उन्हें चार जगह पर रखा था, इसलिए अभी वहाँ पर चार जगह पर ये कुंभ बढ़ता है, इलाहाबाद में, नासिक में, हरिद्वार में हैं और वृंदावन में अर्ध कुंभ है। केवल वो अमृत कलश को उन्होंने रख लिया था और कुछ नहीं, केवल ये अमृत कलश को उन्होंने रख लिया था, इसलिए 12 साल में एक बार ये कुंभ मेला होता है और लाख लाख लोग जाते हैं। लेकिन देखो कथा की कितना महत्व है। लेकिन आज इंद्र स्वयं संपूर्ण अमृत कलश को लेकर के आए, बोले लो पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो और परिकित को पिला दो, अमर बन जाएगा। लेकिन ये भागवत कथा हमें सुना दो। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इनको तथा देवा जहा ससा, बोले तो उनको उपहास करते हुए उनको भगा दिया वहां से, बोले कथा नहीं सुन सकते, तुमको पता ही कथा क्या है, ये स्वयं गोविंद देव ये कथा है। और कहा तुच्छ अमृत को कथा को साथ में बराबर कर रहे हो। इसका मतलब है जो व्यक्ति कथा सुनते हैं वो देवता से भी बड़े हैं, देवता से भी बड़े हो, देवता से भी पुण्यात्मा जो कथा सुनते हो। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया ये स्वर्ग की बात छोड़ दो, कहते ये स्वर्ग की बात को छोड़ दो, कभी जो कथा है ना, आप लोग सब लोग चंचल मत, एक व्यक्ति रख लो उधर जो आएगा सबको बैठा है, अब सब इधर उधर नहीं देखना, ठीक है? जो पीछे बैठे हो देख ले। इसलिए कहते हैं कथा स्वर्ग में भी नहीं, कहते स्वर्ग की बात छोड़ दो, बल्कि ये कथा, कहते ये ब्रह्मलोक में जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं वहाँ पर भी ये कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अगर कहीं भागवत कथा हो, कहते ब्रह्मा और ब्रह्माणी हैं, ब्रह्मा और ब्रह्माणी दोनों ये भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं। कहाँ से आते हैं? ब्रह्मलोक से कथा सुनने के लिए आते हैं। कहते ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो, बोले कैलाश से नास्ते हम कथा, कहते इस कथा कैलाश लोक में भी ये कथा नहीं। अगर शंकर पार्वती को अगर कहीं पता चले कथा हो रही है, शंकर पार्वती कैलाश छोड़ करके आते हैं, आप लोग कितने दूर से कथा सुनने के लिए आए? कुछ लोग तो हमारे साथ में आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? जयपुर से आ रहे हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 250 किलोमीटर है। लेकिन जानते हो ये ब्रह्म लोग कितना दूर और ये शिव लोग करोड़ों माइल से ये ब्रह्मा शंकर जी कथा सुनने के लिए आते हैं इतने दूर से। लेकिन वो अकेले नहीं आते कथा सुनने के लिए, अकेले नहीं आते, जब देवता लोग आते हैं ना अपना देवियों को साथ में, और जब ब्रह्मा आते हैं वो अपना ब्रह्माणी को लेकर के, जब शंकर जी आते हैं पार्वती को लेकर, अकेले कोई कथा सुनने नहीं आते हैं। यहाँ सिखा देते हैं अकेले कथा सुनने मत आ, अगर देवियाँ आए ना अपना देवता को भी लेकर के आओ, और देवता लोग हैं पीछे, इसलिए कहते हैं अगर देवता लोग भी आए, ठीक ठीक है, इसलिए कहते हैं देवता लोग भी आए ना, ध्यान देकर सुनो, कहते अगर देवता लोग भी आए ना, कहते अकेले नहीं आए, अपना देवियों को साथ में आनी चाहिए। कहते जो कथा है अकेले सुनने के लिए मत आया करो। बोले क्यों? हम दोनों दोनों क्यों आए? अच्छी तरह समझ लो, ये दोनों क्यों कथा सुनने के लिए आए? देखना जैसे आप लोग कथा सुनोगे, आप देखना 7 दिन जब कथा सुनोगे ना,
आपका संपूर्ण चित्त आपका परिवर्तन हो जाएगा। जब सात दिन तक आप कथा सुनोगे ना एक रूप में तो आए हो, लेकिन जब यहाँ से जाओगे ना अपना हृदय में प्रभु का प्रेम को लेकर जाओगे, भगवान की भक्ति को लेकर के जाओगे, क्योंकि आपको पता चलेगा ये जीवन क्या है। ये 84 लाख जन्म के बाद में जीवन मिला, ठाकुर जी ये जीवन बारंबार नहीं देते, और इसी जीवन में ही हमें मुक्ति मिले, इसी जीवन में ही प्रभु को भक्ति करके हम भगवान के पास में जा सकते हैं। जब ये बात आपको पता चलेगा ना, फिर समय को टीवी देख करके स्मार्टफोन देख कर बर्बाद नहीं करोगे। जब आपको समय मिलेगा ना माला लेकर बैठोगे, गीता भागवत लेकर के बैठोगे। क्यों? आपको पता चलेगा ये मानव शरीर का कितने महत्व है। जो 84 लाख जन्मों के बाद में ठाकुर जी कृपा करके एक बार ये मानव शरीर दिया, बारंबार ये मानव शरीर नहीं देते हैं। इसलिए भगवान राम अयोध्या वासियों को कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले साधन धा मोमक्ष कर द्वारा, साधन कहते भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बात कहते हैं, बोले अर्जुन मेरे नाम को कौन ग्रहण कर सकता है, कौन कह रहे हैं, कृष्ण किसको कह रहे हैं, अर्जुन को। कहते मेरे नाम को कौन कर सकता है, कृष्ण कहते अर्जुन साधारण व्यक्ति मेरे नाम नहीं ले सकता। बोले कौन ले सकता है, बोले जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानी सदा तिष्ठति भारत। बोले हे अर्जुन वही व्यक्ति मेरे नाम को ले सकता है जिसने 100 जन्म पहले जन्म में जो मेरी सेवा पूजा निष्कपट रूप में किया है वही व्यक्ति मेरे नाम ले सकता है, पापी लोग मेरे नाम नहीं ले सकते। इसलिए जब नारद जी दशरथनाकर पहले जो वाल्मीकि बने दशरथनाकर जब उसको बोले बोलो राम बोलो राम बोलो लेकिन उसका मुंह से राम का नाम नहीं निकला, क्यों, पापी था ना, इसलिए पापियों को मुंह से नहीं निकलता है। कृष्ण कहते कोटि सोभि मामने करोड़ों करोड़ों में कोई विरल व्यक्ति का मुंह से मेरे नाम निकलता है, और जब प्रभु का नाम ले पास ठाकुर के पास में चले जाएगा। इसलिए एक संत कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेगा उसको 3 काम हो जाता है, कितना काम हो जाता है, देखो मैं जितने कथा सुनाता हूँ ना उसको अच्छे तरह से याद करना, आप भी कथा सुनो और दूसरों को भी कथा सुनाना, ठीक है ना, ऐसे नहीं आप सुने जब यहाँ से गए पल्लू झाड़ पे चली गए, सब कथा भी याद करना, दूसरों को भी भगवान की कथा सुनाना, दूसरे भी प्रभु का भजन कर, ठीक है ना। देखो आज ये भागवत कथा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका जो बच्चे लोकेश प्रभु का जो बच्चे हैं वो आते हैं संत का संग करते हैं, देखना देखो गले में कंठी तिलक लगाते हैं प्रभु का नाम करते, क्यों, संतों का संग किया उसका फल स्वरूप में किया हुआ, आज संतों को बुलाए, अगर वो लोग अगर नहीं करते हम थोड़ी यहाँ पर आते, वो आते ही नहीं। इसलिए अगर आप भी भक्ति करोगे अगर दूसरों को भी भक्ति में लगाओगे ना अपना तो कल्याण होगा है और दूसरा का भी कल्याण होगा, ठीक है। देखो एक संत कहते हैं जब कोई व्यक्ति प्रभु का नाम जप करता है
उसको तीन काम हो जाता है। कितना काम होता है, क्या क्या होता है, आज सुन लो कल मेरे को सुना, ठीक है? जो सुनाएगा ना उसमें मैं इनाम दूंगा। ये जो छोंक दे रहे हैं ना उसको मना कर दो, छोंक मत दे, वो सबके सब पूरा ऊपर आ रहे हैं उसको मना कर दो, उसको बोला बाद में देना। कूलर बंद करा दो, कूलर। हरे कृष्णा। हाँ देखो, इसलिए उसको मना कर दो। इसलिए तीन काम होता है अच्छे तरह से याद रखना। कहते जमपुरी में यम महाराज चित्रगुप्त को बोलते, चित्रगुप्त रजिस्टर ले आओ। चित्रगुप्त कौन होता है, चित्र मतलब होता है फोटो लेना, गुप्त मतलब होता है छुप करके, हैं? अगर कोई सोचे हम 10 मंजिल ऊपर में दरवाजा बंद कर कुछ कर रहा, कोई थोड़ी देख रहा है, नहीं। दिन में ये सूर्य किरण सब जगह वो साखी अपने आप फोटो उठ जाता है। कोई अगर बोले रात में मैं कुछ करता हूँ, कोई थोड़ी देर देख रहे, नहीं, वहाँ पर रात साखी है, 10 दिशाएं साखी। कोई भी काम को हम छुपा करके नहीं कर सकते, कोई भी काम छुपा करके सारे फोटो उठ रहा है। और मरने के बाद जो कापी खुलेगा सबके सब कर्म के अनुरूप हमें फल भोगना पड़ता है, हैं? इसलिए लेकिन देखो प्रभु का नाम जो जप करता है कितने महिमा। यम महाराज चित्रगुप्त को बोलते रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले एक व्यक्ति का नाम को यहाँ से काट दे। बोले क्यों काट दे? बोले प्रभु का नाम ले रहा है ना, अभी ये नरक कभी नहीं आएगा। दूसरा काम किया, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती है, बोले सखी रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम रजिस्टर में चढ़ा दो, रजिस्टर में इसका नाम लिखवा दो। बोले किस लिए? बोले प्रभु का नाम जब कर रहा है ना तो अभी नरक नहीं जाएगा, सीधा भगवान की धाम में आएगा। बोले तीसरा काम किया, बोले पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आरती का थाला सजाना शुरू कर देते। बोले किस लिए? बोले वो व्यक्ति प्रभु का नाम जब कर रहा है और जब जाएगा संसार से भूर भुग मोह जन तप सत्यलोक होकर जब जाएगा उसका मैं आरती उतारूंगा, उसका मैं आरती उतारूंगा। इतने महत्व जो व्यक्ति प्रभु की नाम जप करता है। इसलिए आप लोग जो मेरे पीछे पीछे नाम करते हो ना, बहुत पुण्यात्मा हो, बहुत पुण्यात्मा है। साधारण व्यक्ति का मुंह से ठाकुर का नाम नहीं निकलता है, ठीक है? सब ताली बजा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे
बोलते हैं कथा में दोनों पति पत्नी जाओ। बोले दोनों पति पत्नी क्यों जाओ? जैसे अगर पत्नी आई, 7 दिन तक कथा सुनो, आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलेगा तो फिर समय को इधर उधर नहीं लगाओगे, भजन करोगे। अगर पति नहीं आएगा ना, बोले कौन सा बाबा की चक्कर में तो पड़ गई। पहले बोलते थे सिनेमा ले चलो घूमने के लिए, अभी कुछ हो तो बोलो वृंदावन चलो, गीता पढ़ो, सत्संग में चलो, भजन में चलो, कौन सा बाबा जी के चक्कर में तो पड़ गए। अगर पति लोग आए ना, देवता लोग आए, अगर पत्नी नहीं आए तो क्या होगा? फिर पति को ऊपर ही रहने चढ़ेगा, फिर वो समय नष्ट नहीं करके प्रभु का भजन करेगा, भक्ति करेगा। पत्नी क्या बोलेगी हैं? जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जा तो कोई काम धाम नहीं तुम्हारी हैं? जब देखो तुमको भागवत गीता लेकर बैठ जा तो माला लेकर फिर संसार कहीं चलेगा। इसलिए अगर दोनों अगर कथा में आए ना, बस दोनों बोले भैया आज सत्संग हो रही है, आज हरी कथा हो रही है, चलो भागवत कथा में जल्द जल्द काम की, हाँ घर का काम को जल्द जल्द निपटाओ, चलो दोनों हम सत्संग में चलते, दोनों हम प्रभु की कथा सुन। बस दोनों आओगे, दोनों कहते दोनों पहिया में गाड़ी बढ़िया चलेगी, फिर दोनों दोनों को मदद करोगे, ठीक है ना, फिर भजन करोगे। इसलिए शंकर जी पार्वती को लेकर के, ब्रह्मा ब्रह्माणी को लेकर के, देवता देवियों को लेकर के आते हैं। यदि ये कथा की इतने दुर्लभता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भैया ये कथा वैकुंठ लोक में भी ये कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं गयो गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा राम चरण अति भक्ति अखंड। इसलिए जब काक भुसुंडी जब नीलगिरि पर्वत पर कथा करते हैं, स्वयं गरुड़ जी वैकुंठ छोड़कर कथा सुनने के लिए आते हैं। वैकुंठ छोड़ करके देखो इस स्थान का नाम क्या है, कोटा, कोटा तो है लेकिन रामपुरा। हाँ देखो रामपुरा के लोग कितने सौभाग्यवान, ये चीज़ को समझो। देखो देवता लोगों को कथा सुनने के लिए देव लोगों को छोड़ना पड़ता है, ब्रह्मा जी को कथा सुनने के लिए ब्रह्मा लोग को त्याग देना पड़ता है, शंकर जी को कथा सुनने के लिए कैलाश त्याग देते हैं, गरुड़ जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ त्याग देते हैं, लेकिन रामपुरा के भक्तों को कोई घर बार छोड़ना पड़ा था? छोड़ना पड़ा नहीं, ये कथा स्वयं वृंदावन से बहते बहते हाथ हमारे घर को सामने आ गई, और हम घर में बैठी बैठी करके कथा रूपी अमृत में, कथा रूपी गंगा में हमने स्नान कर लिया। इसका मतलब हम लोग बड़े बड़े सौभाग्यवान हैं। बोलो श्रीमद्भागवत कथा अमृतम की, जोर से बोलो, बोलो श्रीमद्भागवत कथा अमृतम की। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये जो भागवत कथा है, सप्त संगति दुर्लभ संसारा, संसार में सत्संग भागवत कथा दुर्लभ। देखो पार्वती क्या कहती है, बोले प्रभु आप कह रहे हो भागवत कथा दुर्लभ, ये दुर्लभ कहाँ? देखो घर में कथा हो रही ना, बैनर लगाते हैं प्रभु जी, सबको निमंत्रण दिए होंगे, आओ कथा सुनने के लिए आओ, आना भागवत कथा होगी, आप कहते दुर्लभ, ये सुलभ है कथा। लेकिन देखो शंकर जी क्या कहते हैं, शंकर जी कहते हैं पार्वती आबत ही सर अति कठिनाई, आबत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु पाइ न जाई, राम कृपा बिनु पाइ न जाई।
इसको इसको बंद कर दो भैया, इसको बंद कर दो, आवाज़ सही आएगी, ये आवाज़ नहीं है, बंद कर इसको। हाँ, इसलिए शंकर जी कहते पार्वती, हिंदी तो समझती हो ना, कहते आप तो यही सरह अति कठिन है। अगर कहीं कथा हो ना, किसको निमंत्रण करो कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर पता चल यहाँ ऐश्वर्या आया है, शाहरुख खान आया आ रहा है, सलमान खान यहाँ आ रहा है, आप बताओ किसको बोल, और हमारे अमिताभ बच्चन आ रहा है, अगर किसको पता चल जाए ये बात, बताओ किसको निमंत्रण जरूरत है, बोलो किसको निमंत्रण देने का क्या जरूरत है, देखना ना, बगैर निमंत्रण के सब कोई प्यार रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती, अगर भगवान की कथा हो ना जिसमें शांति मिलेगी, जिसको आत्मा को शांति मिलेगी, पार्वती ये कथा में नहीं आएंगे। तब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु फिर ये कथा में कौन कौन आ गए, कथा में कौन कौन आ सकते हैं। शंकर जी कहते पार्वती, अति हरि कृपा जा पर होई पाप देही यह संगत सो, जिसको पर में ठाकुर जी की विशेष कृपा पार्वती हो तभी ये कथा में आ सकते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, माता जी बात मत करो, ये तो आप वहां की बैठो, दूर में इस तरफ में बैठो, आप उधर नहीं बैठ कर इस तरफ बैठो, इधर बैठो, उधर बैठो, और थोड़ा इधर, पूरा कोने में, वहां नहीं ये कोने में बैठो। लेकिन अगर अमेरिका में क्यों नहीं, अगर निमंत्रण दोगे ना वो अमेरिका से आएगा, क्यों आप उसको निमंत्रण दे। देखो शंकर जी कितने बड़ी बात कहते, बोले कथा में कौन आए, बोले बंसुरी वाले भगवान कृष्ण, जिसको नौता दिया है ना, जिसको निमंत्रण कार भेजा है वही व्यक्ति यहाँ पर आए हो, जिसको ये निमंत्रण नहीं देगा ना ये कथा में नहीं आ सकते हैं, हैं? जब कृष्ण बंसी बटक नीचे बंसुरी बजाए ना, ब्रज में बहुत व्यक्ति थे लेकिन सब नहीं आए, लेकिन वो जिसको बुलाना चाह रहे थे वही आए। किसको बुलाना चाह रहे थे, गोपियों को बुलाना चाह रहे थे, इसलिए वहां पर गोपियां आई। भागवत कथा में जिसको बुला है ना वही व्यक्ति यहाँ पर आए, सब यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय, जय जय श्री राम। देखो यहाँ पर प्रश्न होता है, कोई प्रश्न कर सकता है, देखो यहाँ पर दो दो तीन तीन घंटा भागवत कथा होती, हम क्यों यहाँ समय दे, अगर इसी समय को अगर हम और कहीं लगा दे, हमें कुछ माल मिलता, कुछ घर की लाभ होता, लेकिन यहाँ हम दो दो तीन घंटा क्यों बैठे, हम बैठने पर आज क्या लाभ होगा। इसलिए राधा रानी कहती हैं, ये कथा से तुम्हें जितना लाभ मिलेगा ना, जगत का ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें तुम इतने प्रॉफिट तुमको मिल सकते, इतने कथा में जितना तुमको लाभ मिलेगी और कोई भी बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगी। इसलिए विराज क्या कहती हैं, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हैं। इसलिए राधा रानी कहती हैं कि तथा से तुम्हें 7 लाख मिलेगा, कितना लाख मिलेगा आज मैं बोलूंगा, मैं कल आपसे सुनूंगा, देखना जो बोलेगा ना उसको मैं इनाम मिलेगा, ठीक है। इसलिए आज कथा की महिमा इसलिए सुना रहा हूँ, कहती है भागवत कथा नहीं सुने कथा की महिमा क्यों सुना रहे, हम कलयुग का जीवन ना कोई भी काम करे पहले देखते कितना माल मिलने वाला है, तब वहां पर ज्यादा समय देंगे, वहीं पर ज्यादा समय देते हैं। इसलिए कलयुग का जीव बगैर लाभ की कोई बात नहीं करता है। इसलिए राधा रानी कहती है कथा सुनने से तुम्हें 7 लाभ मिलेगा। बोले क्या लाभ है, ये गोपी गीत का श्लोक है, कहते तब कथा मृत Ah.
पहला लाभ है कथा सुनने का, आप लोग सुने होंगे ये भागवत को एक नाम अमर कथा, क्या कहते हैं आप लोग भी अमरनाथ गए हो? कौन कौन अमरनाथ गए? हाथ उठा एक प्रभु ने माता जी, माता जी गई हो अमरनाथ? तुमने नहीं गए ना, इसलिए कैसी और व्यक्ति अमरनाथ गए, इसलिए केदारनाथ गए, जो लोग अमरनाथ गए ना आप वहां पर जगह अभी भी रखा हुआ, जहाँ शंकर जी माता पार्वती को जहाँ पर अमर कथा सुनाई, अगर कभी भाग्य में होगा तो कभी जाओगे तो वहां पर दर्शन करके जरूर आना अमरनाथ में, कहाँ पर शंकर जी पार्वती को कथा सुनाए थे वो देख करके आए होंगे वहां पर अमरनाथ में। है बोले शंकर जी पार्वती को क्यों कथा सुनाए? बोले एक दिन श्री नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश में आए, उसी समय श्री शंकर जी वो सत्संग में गए हुए थे। आपको पता है हम कहते ना तो क्या नारद जी क्या काम कर रहे हो, हम कहते क्या क्या तुम लड़ाई लगा रहे हो, क्या तुम लड़ाई, हम बोलते ना कभी कभी, लेकिन ऐसे नहीं नारद जी कभी लड़ाई लगाए थे नहीं, क्योंकि नारद जी भगवान की परम भक्त हैं, इनके बगैर ठाकुर का कोई विवाह नहीं होता है। नारद जी के बगैर वो ऐसे कुछ काम करते हैं जो भगवान की कोई नई लीला प्रकट हो जाए वो आस्वादन करते हैं। एक दिन आए कहाँ पर, कैलाश में आए, आए तो माता पार्वती बड़ी उनकी आदर जतन की, आदर जतन की, तो इतने में श्री नारद जी कहते हैं बोले माता जी आपको बाहर में सोच करके ना मेरे को बड़ा कष्ट होता है। बोले क्यों, हम तो ठीक ठाक है। बोले नहीं, बोल कर किया होगा, छोड़ो बात, अगर किसी माताओं का आधी बात बोल देना पेट माजम नहीं होता, जब तक वो सुन नहीं पूरा बात है। बोले बताओ ना क्या बात, बोले बोल कर किया होगा लेकिन आपको बाहर में सोच करके मेरे को बड़ा कष्ट होता है, मन में बड़ा कष्ट है। माता पार्वती को देखते आदमी बोले बताओ क्या बात तो बताओ। बोले आपको पता है शंकर जी की और भी कोई भी पत्नी है और किसको प्रेम करते हैं? देखो माता है ना हर चीज को सहन कर ले, लेकिन अगर उनको पता चले उसको पति और किसको प्रेम कर सकते हैं, कहते हैं माता जी कभी ये चीज हजम नहीं कर सकते, कभी सहन नहीं कर सकते, मेरे पति और किसको प्रेम करते हैं? बोले किसको? बोले देखो आज जब शंकर जी सत्संग से आए एक काम करो, तुम अपना अलंकार को छोड़ करके महिला कपड़ा पहन करके मान भवन में लेट जाओ, और शंकर जी जब पूछ तुम शंकर जी को पूछना एक बार, बोले क्या है, लेकिन तीन बार कसम खिला करके पूछना, नहीं तो बोलेंगे नहीं सहज। बोले बोलो। बोले उनको पूछना तुम्हारी गले में जो मुंड की माला जिसके सारे रहस्य भूल जाए। बस नारद जी तो आग लगा करके नारद जी गोविंद जय जय गोपाल, नारद भागे पास है नारद जी, इतने में शंकर जी आ रहे थे उस समय में, देखा नारद जी बड़ी तेजी से जा रहे। बोले नारद जी थोड़ा रुक जाओ। बोले आज मेरे पास में समय नहीं। वो समझ गए दाल में कुछ काला है, लेकिन जब घर में आए ना देखा पार्वती मान भवन में लेटी हुई। बोले क्या बात है? बोले पता नहीं नारद जी आए कुछ बोल करे गए तभी माता जी मान भवन में चली गई, बोले जरूर कुछ लड़ाई लगा कर गए। इतने में जा करके जब पार्वती के ऊपर ऐसे हाथ रखे ना पार्वती हाथ को फेंक दी। बोले क्या बात बताओ? बोले मैं तो सोच रहा था भोले बाबा, लेकिन आज से पता चला कपटी बाबा हैं। बोले बात तो क्या बताओ? बोले तीन बार कसम खिला खाओ, फिर तो मैं पूछूंगी शंकर जी तीन बार कसम खाए। बोले बोलो। बोले आपकी गले में जो मुंडक की माला किसकी बताओ? शंकर जी बोले पार्वती की जो मुंडक की माला तुम्हारी। बोले मेरी, मेरे सर तो मेरे शरीर में, आप गले में कैसे आ गए? बोले पार्वती तुमको पूर्व जन्म की बात याद है, पूर्व जन्म में तुम सती थी, लेकिन तुम्हारी हम आगे कथा सुनेंगे दक्ष प्रजापति कथा, कहते तुम्हारी पिताजी मेरे को अपमान किया था इसलिए तुमने कनखल में हरिद्वार में शरीर त्याग दिए, इसलिए एक जन्म नहीं कितने जन्म से तुम शरीर त्याग देती हो, चूंकि तुम मेरी बड़ी प्यारी हो कि जब मैं कथा सुनाता हूँ तुम्हारे जैसे श्रोता जगत में कोई है, बड़े प्रेम से तुम कथा सुनते, इसलिए जब जब तुम शरीर त्याग देती तेरे मुंडों को मैं माला रूप में धारण कर लेता हूँ। पार्वती बोली प्रभु मैं तो सोच रहे थे आपको छोटी मोटी कपटी होगी, पता चला आप सबसे बड़े कपटी हो। बोले क्यों? बोले आप ये बताओ ऐसे कौन सा अमर बोटी को आपने पान कर रखे हो जो मर ही नहीं रहे, हमें मरती जा रही, आप बताओ कौन सा अमर बोटी को पान कर पान किए हो? बोले पार्वती जब से ये श्रीमद भागवत कथा अमर बोटी को मैंने पान की तब से मैंने ये अमरत्व को प्राप्त किया। बोले प्रभु मैंने कभी सुना?
मैं भी अमर बन जाऊंगी, आप भी अमर बनोगे, दोनों प्रेम से रहेंगे। अब मैं मरती जा रही हूँ, आप मरी नहीं रही। बोले पार्वती कथा को सब नहीं सुन सकते हैं। बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जिनको कोई करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो पार्वती, तभी कथा को सुन सकते हैं। बोले मैं तो सुन सकती ना। बोले हाँ, तेरे अंदर में भक्ति भाव है तो कथा सुन सकते हो। सुना? बोले जहाँ तहाँ नहीं, चलो अमरनाथ बोले चलते हैं, वहीं पर बटवृक्ष को नीचे बैठा करके तुमको ये अमर कथा सुनाऊंगा। पार्वती एक काम करना, जब मैं कथा सुनाऊंगा मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा, लेकिन तुम बीच बीच में हुंकार भरते रहना, मेरे को पता चले तुम कथा सुन रहे हो। वाह, सुनने जयकार दिए। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतामुखी जय। उन्होंने जयकार देकर के उन्होंने कथा की प्रारंभ की। माता पार्वती हुंकार भर रहे थे, हैं हुंकार भर रहे थे, बड़ी प्यारी कथा आगे सुनाओ। लेकिन कथा सुनाते सुनाते इतने में तो माता पार्वती सो गई। जब लास्ट में सो गई, लेकिन वो वृक्ष के ऊपर में एक तोता बैठ करके कथा सुन रहा था। इतने में तोता ने देखा माँ तो सो गई, हुंकार भरना बंद हो गया, शंकर जी कथा आधा छोड़ देंगे, मेरी भी कथा अधूरी रह जाए, इसलिए उसने भी हुंकार भरने लग गई। बोले उसको बाद में सुना, बड़ी प्यारी कथा है। उसको बाद में क्या हुआ? शंकर तो भोले बाबा है ही है। वाह शंकर जी, सुनाते जा रहे थे। जब कथा विश्राम हो गई, फिर शंकर जी बोले, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। जगती देखो, इसलिए हम भी कभी कभी बीच बीच में जगा देते हैं। क्यों देते हैं? कोई सो नहीं जाए। आप देखना दुनिया की कोई बात हो ना, किसका चुगली हो, किसको नींद आएगी? नहीं आएगी, तो कान खराब हो जाएगी। लेकिन भगवान की कथा हो ना, भगवान की कथा हो ना, बात झिमझिमाने सुलसुलाने आ जाते। ये जम की तीन बेटी हैं, ये बड़े जोर जबरदस्ती काम करती हैं, हैं? ये आकर के जो कथा सुनते हैं ना, उनके सर पर बैठ जाते हैं और उनको सुला देती हैं। क्यों? कथा सुनेगा तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो भक्ति करेगा, भक्ति करेगा तो सीधा भगवान को नाम है। इसलिए कथा सुनते समय ध्यान से कथा सुननी चाहिए, ध्यान से कथा सुननी चाहिए। पार्वती जग गई। बोले उसको बाद में क्या हुआ? बोले कथा तो विश्राम हो गया। बोले मैं बीच में सो गई थी। बोले नहीं, तू तो हुंकार भर रही थी। बोले नहीं प्रभु जी, सो गई थी। शंकर जी ने देखा ये अमर कथा। ये कथा कौन सा कथा है? जो सुनेगा मरेगा। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर कथा सुन लिया तो फिर तो अमर बन जाएगा, फिर दुनिया के लिए हानिकारक। शंकर जी ने कथा सुनी तो किसने सुनी? इधर उधर देखे, देखा वो वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठ कर कथा सुना रहा है, सुन रहा है। शंकर जी त्रिशूल उठाए और उसको मारने के लिए पीछा किया। जहाँ जाए शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। करते करते जब उन्होंने पहुंचे कहाँ पर? बद्रीनाथ में पहुंचे। बद्रीनाथ गए हो? कौन बद्रीनाथ गए? अब तब कौन बद्रीनाथ जाना चाहते हो? अब सबको ले जाएंगे, हाथ उठा, कोई हाथ नहीं उठाए, एक बार सबको ले चलेंगे, ठीक है ना। देखो बद्रीनाथ जाने का बड़ा पुण्य है, एक बार जो दर्शन करेगा ना, फिर संसार में उसका जन्म भी तो नहीं होगा, बड़ा पुण्य। आगे हम कथा सुनेंगे। इसलिए बद्रीनाथ में वहाँ पर व्यास गुफा है, जहाँ पर व्यास देव अपना पत्नी पीटिका को ये भागवत कथा सुना रहे थे। उसी समय में उनकी पत्नी, जैसे भाव से हम सुनते हैं ना, मुंह खोल करके ऐसे सुन रही थी। इतने में वो तोता गया और सूक्ष्म रूप में उनकी गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी देखा तोता यहाँ पर आकर कहाँ चला गया। व्यास देव जी ने बोले, भोले बाबा कहाँ से बात करवाते आ रहे हो, हाँप रहे हो? बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक तोता ने अमर कथा सुन ली। बोले अमर कथा सुन ली तो आप पीछे क्यों भाग रहे? बोले मारने के लिए। बोले भोले बाबा सचमुच से तुम भोले ही हो, आप खुद कह रहे हो ये अमर कथा जो सुनेगा वो मरेगा नहीं, ये तोता कथा सुन की नहीं? बोले सुनी। बोले जब कथा सुन ली वो अमर हो गया, फिर आप उसको मारने के लिए कैसे आ रहे? शंकर जी बोले अभी तक मेरे को याद नहीं था ये बात, अभी तो याद नहीं था। फिर शंकर जी ने देखा अगर ये तोता कोई साधारण होता है ना, ये कभी कथा में बैठ नहीं सकता। देखो आप लोग जो कथा सुनने के लिए आए ना, आप भी साधारण नहीं, आप साधारण नहीं। अभी कितने लोग टीवी खोल कर बैठे होंगे, इधर उधर की चर्चा करते होंगे, लेकिन आप कहाँ पर बैठे हो? भगवान की कथा में बैठे। जो भगवान की कथा में बैठे हैं ना, क्या ठाकुर की गोद में बैठे, ठाकुर जी की गोद में बैठे। अगर इसी समय में किसकी मृत्यु आ जाए ना,
लेकिन जब तक आप ये कथा में बैठे रहोगे आपको यहाँ से कोई ले नहीं सकते। क्यों? जो ठाकुर जी कथा सुनते हैं वो भगवान की गोद में बैठा हुआ होते हैं, ठाकुर की गोद में बैठे हो। इसलिए वहां पर श्री शंकर जी ने देखा ये तोता कोई साधारण नहीं होगा, लेकिन ये है कौन? शंकर जी ध्यानस्थ लगाए। जब ध्यान में लगाए तो उनने सब कुछ दर्शन किया। बोले क्या दर्शन किया? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। के तोता कौन है? बोले जो गोलोक वृंदावन में राधा रानी के निकुंज में रहता है, जैसे भगवान राम जब आए हनुमान साथ में आए, लेकिन भगवान जब अयोध्या छोड़कर गए सबको लेकर गए लेकिन एक व्यक्ति को लिए, बताओ तो किसको लिए? हनुमान। जोर से बोला हनुमान। हनुमान को लिए नहीं। बोले क्यों? बोले हनुमान अगर तू चला जाओगे फिर मेरे बाद में ये भक्ति को कौन प्रचार करेगा? लोग भक्ति कैसे करेंगे, मेरे को पहचानेंगे कैसे? इसलिए तुम जगत में रहो, सर्वत्र राम कथा का तुम प्रचार करना। उसी तरह जब ठाकुर जी गोलोक वृंदावन से आए थे तो तोते को साथ में लेकर के आए, लेकिन जब यहाँ से गए ना सबको तो लेकर गए लेकिन तोता को नहीं। बोले तोता अगर तू साथ में चले जाओगे तुम तो मेरे निकुंज में रहने वाले हो। कभी कभी कृष्ण उसको अनार की दाना खिलाया करते थे, कृष्ण नाम पढ़ाया करते थे, कभी कभी राधा रानी को चुंबन भी करती थी। अगर तुम चले जाओगे तो मेरी कथा कौन सुनाएगी? इसलिए तुम रहो। बड़े दुखी होकर के इधर उधर भटक रहे थे, जब उन्होंने पहुंचे कहाँ पर? अमरनाथ में। देखा शंकर जी पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। बस देखा वही तोता जिसने ये अमर कथा को सुने। शंकर जी ध्यान लगा करके देखा भगवान जी को जगत में ये भागवत धर्म प्रचार करने के लिए छोड़कर गए। शंकर जी समझ गए कथा सुनाना सार्थकता हो गया, यही श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आएंगे और ये भागवत कथा को सर्वत्र प्रचार करेंगे। शंकर जी प्रसन्न हो गए और उनको प्रणाम करते हुए चले गए। हाँ देखो एक चीज समझो, शंकर जी को हम कहते ना सत्यम शिवम देवदेव योगी योगी महायोगी। देखो ये भागवत कथा की महिमा को समझो। शंकर जी स्वयं कहते हैं जब मैंने ये भागवत कथा हमने सुनी है तब मैंने अमरत्व को प्राप्त किया। माता पार्वती जगत तक भाजक जननी, तब तक माता जी भी सहनी छोड़ते रहे। कब तक? जब तक ये भागवत कथा उन्होंने नहीं सुनी। जब से उन्होंने भागवत कथा सुनी तब से उन्होंने अमरत्व को प्राप्त किया। अगर हम भी ये भागवत कथा सुनेंगे ना हम भी जगत में अमर हो जाएंगे। मीरा ने कथा सुनी अमर हो गए कि नहीं? हनुमान जी कथा सुने अमर हो गए कि नहीं? परीक्षित ने कथा सुनी अमर हो गए कि नहीं? अमर हो गए कि नहीं जगत में? अगर हम भी ऐसी कथा सुनेंगे प्रभु का भजन करेंगे ना हम भी जगत में अमरत्व को प्राप्त करेंगे। इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ क्या है? बोलो पहला लाभ क्या है? अरे कोई बोल नहीं रहे अमरत्व प्राप्त करना। अमर राधा रानी कहती है तब कथा मृतम, तुम्हारी कथा को जो सुनेगा जगत में अमर हो जाएगा। बोले दूसरा लाभ क्या है? बोले तप कर जीवन। संसार में हम सब दुखी हैं। संसार में देना कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा, कोई परिवार से दुखी होगा, कोई पैसा से दुखी होगा, कोई बेटा से दुखी होगा, कोई बेटी से दुखी होगी, कोई बहू से दुखी होगी, कोई सास से दुखी होगी, कोई पड़ोसी से दुखी होगी, कोई परिवार से दुखी होगा, कोई बिजनेस से दुखी होगा। दुखी दुखी है कि नहीं? बोलो संसार में कोई सुखी नहीं, संसार में सब दुखी। लेकिन यहाँ पर श्री राधा रानी कहती हैं लेकिन मेरे कथा को जो सुनेगा ना तो सब दुख तुम्हारे दूर हो जाएगा। इसका प्रमाण देख लो, इसका प्रमाण देखो। हम संसार में सब दुखी है, हम संसार में सबके सब दुखी। एक चीज को देख लो दुखी, लेकिन देखो जैसे वहां पर 2 घंटा यहाँ पर 2-3 घंटा बैठोगे ना बात मत करो तुम हंस रहे हो। देखो आप लोग मेरे सामने बैठे हो सब दुखी है। आप देख लेना ये 2.5 घंटा तक जो बैठोगे अभी तुम्हारी संसार में कोई बात याद है? संसार का कोई बात अभी तुमको सता रही है क्या? बताओ कोई सता रही है? कोई दुख है तुम्हारे? क्यों? ठाकुर जी कथा सुन
ठाकुर जी तुम कथा सुन रहे हो, इसलिए जब तक प्रभु की कथा सुनोगे ना तब तक सुखी सुखी रहोगे। अगर जिंदगी भर अगर कथा सुनोगे भजन करोगे पूरा जिंदगी भर आनंद ही आनंद जय श्री राधे आनंद ही आनंद में रहोगे। लेकिन जब तक कथा सुनते रहोगे भगवान की गोद में बैठोगे, लेकिन ये कथा से केवल ये गेट से बाहर तुम निकलो, केवल कथा से गेट से बाहर निकलो ना संसार का सारे दुख पहाड़ जैसा आकर सर पर बढ़ जाएगा। घर में जाने पर बहू से नहीं मिल रही, बेटा से नहीं मिल रही, संसार का ये दुख, सांस में ये दुख तक, पति से ये दुख, केवल गेट से। लेकिन जब तक यहाँ बैठोगे ना कोई संसार की बात याद आ रही कोई बात नहीं। इसलिए राधा रानी स्वयं कहती हैं तुम्हारी जो कथा है ये प्रभु समस्त दुख को दूर करने वाले तुम्हारी कथा। ये दो लाभ हो गया। बोले तीसरा लाभ क्या? बोले कलमस अभ। कलमस मतलब होता है पाप। जीवन में हम दुख क्यों भोग कर रहे हैं? ये हमारी पूर्व जन्म पाप है, तभी हम दुख भोग कर रहे हैं। लेकिन राधा रानी कहती हैं ये पाप कैसे दूर होगा तुम्हारी? जब तुम भगवान की कथा सुनोगे तुम्हारी समस्त पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। वाल्मीकि जैसे व्यक्ति पहले कौन था? दस्यु रत्नाकर था, डाकू डालता था। जब नारद जी मिले उसको बोले बोलो राम। लेकिन उसके मुंह से राम का नाम नहीं निकला उसको मुंह से। जब बोले तो बोलता था मारो बराबर तो बोल सकते, बोला हाँ ये तो बोल सकता, ये तो आप लोग बराबर बोलो अपने आप राम हो जाता कि नहीं? इसलिए कहते अगर वाल्मीकि अगर दशरथनाकर अगर वो मराम राम करते करते उल्टा नाम जपते जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, अगर उल्टा नाम जप करते करते दशरथनाकर से अगर ये वाल्मीकि बन सकते हैं। आप लोगों ने लवकुश देखे हो? कौन कौन लवकुश देखा? हाथ उठा लवकुश कौन कौन देखे हो? रामायण लवकुश नहीं देखा? हाँ वहां पर देखना वो स्वयं लवकुश क्या कहते राम दरबार में, कहते हमारे गुरु जी वाल्मीकि ने हे प्रभु राम को कह रहे हैं अब आने से पहले आपका समस्त लीला को दर्शन करके उन्हें रामायण प्रभु आने से पहले उन्होंने सब कुछ लिख दिया। प्रभु के नाम में प्रभु कथा में इतने शक्ति है कि सारे पाप तुम्हारी दूर हो जाएगी। बोले चौथा लाभ किया? बोले श्रवण मंगलम। कहना मंगल भवन अमंगल हरि, प्रभु का नाम जो भगवान की कथा सुनेगा समस्त अमंगल दूर हो जाएगा और जीवन में मंगल हो जाएगा। इसलिए श्रवण मंगलम। बोले श्री बदात, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, श्री मतलब होता है जस, श्री मतलब महिमा। जो भगवान की कथा सुनेगा उसको जीवन में जस मिलेगा और जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी कहाँ रहती है? जय नारायण वही रहती है लक्ष्मी। जो कथा सुनेगा उसको घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, बिजनेस खूब चलेगी। देखो ये सही एक बात है। बोले एक समय एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आया था, कई कथा वाले कथा सुनने के लिए आया। उसने आपको बता होगा कथा किसको निमंत्रण होता है ना कथा सुनने के लिए, कब आता है? लास्ट में आता है, जिस दिन भंडारा होगा उस दिन कथा सुनने के लिए आएंगे। अगर कोई आ गया ना एक दो दिन बाद टिकट काट कर आते हैं, बुलाया अगर नहीं जाएंगे तो बुरा मानेगा, इसलिए क्या करेंगे बस एक दो के बाद चल जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति का था बिजनेस था, उसको जैसे एक साल में डायरी जैसे बनाते ना डायरी बनाते उसका डायरी, और डायरी देखना एक साल के लिए सेल हो जानी चाहिए, दूसरे साल में वो डायरी भरे नहीं चलती है। उसने अपना मैनेजर में रख करके आया कथा सुनने के लिए। जब कथा सुनने के लिए आया उसने सोच रहा था तीन दिन बाद में टिकट काट करके आया तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन उन्होंने देखा कथा सुनने के लिए आया तो देखो कहते ना भगवान कहते हैं मेरे तरफ में एक कदम बढ़ मैं तेरे तरफ में दस कदम बढ़ता हूँ। उसने सोच रहा था तीन दिन के लिए कथा सुनूंगा, लेकिन दो दिन के बाद उसने जो फोन किया उसको बोले जो डायरी साल में भी नहीं बिकती थी एक साल में पूरी, उसने देखा दो तीन दिन में डायरी सेल हो गई। वो वहां से मैनेजर का फोन आया, पता नहीं क्या हो गया, ये दो तीन दिन में सारी डायरी खत्म हो गई, आप बताओ अभी डायरी छपना कि नहीं छपवाना। उसने कहा देखो सचमुच से पता ना भगवान का कथा किया है कल्प वृक्ष कल्प तरु जो माँ को वृक्ष वही दे देता है। इसलिए जो भगवान की जो कथा है श्री मतलब संपद, श्री मतलब शोभा, श्री मतलब जस, जगत में भगवान की कथा है सब कुछ देने वाली।
कथा मतलब होता है, कथा सुनने से संसार का जो बंधन है, संसार का जो दुख कष्ट है, संपूर्ण रूप में खत्म हो जाती है। इसलिए राधा रानी कहती हैं, जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, लेकिन जगत में सबसे बड़ा दान क्या है, बोले जो भगवान की कथा को जो दान करते हैं, इससे बड़ा दान जगत में कुछ भी नहीं। इसलिए हमारे लोकेश प्रभु जो कथा करवा रहे ना, समझ लेना कितने लोग कल्याण होगा, कितने लोग प्रभु की भक्ति में लग जाएगा, और जो लगेगा इसका पुण्य इनको ही मिलेगा। नहीं, कथा करवा रहे हैं, कह रहे हैं बहुत पुण्य है, इसको कौन करेगा, इसे भजन की इसको कौन कह रही है, ये राधा रानी स्वयं, ये गोपी गीत का ये श्लोक है, राधा रानी स्वयं कृष्ण कथा की महिमा को वो बता रहेगी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले आज के आनंद की जय, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय, जय जय श्री राधे। बोले श्रीमती राधा रानी की जय, बोले श्री लाडली सरकार की जय, बरसानो धाम की जय। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसा। Thank you.
Oh, yeah,
हमारे इधर सुनो, हमारे ये प्रभु जी जो भजन गा रहे थे ना, ये सॉफ्ट क्लियर इंजीनियर है, उसका करीब तनख्वाह 1,00,000 था, नोएडा में काम करता था, लेकिन जब भगवान की भक्ति ना आई छोड़ करके बाबा बन गए। अभी आपको थोड़ी सी ये भागवत की जो महिमा के बारे में थोड़ी सी आप कथा सुनिए। खड़े एक बच्चा इनको तरफ इसको इसको फुल अज्ञान्तिभिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पद्रुहश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। एक बार सभी हाथ उठा के मेरे साथ सब बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद् भक्ति विदान श्री गुरु स्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तबरुन्द्रा संत रूपानु गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोता वृंद के चरणों में मेरे यथा योग्य प्रणाम। हम गुरु जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं श्री भागवत की महिमा। किस प्रकार ये भागवत कथा कितनी दुर्लभ है और दुर्लभ होते हुए भी कितनी हम लोग को सुलभता से प्राप्त हो गई है, इसलिए ये ग्रंथ का नाम ही है भागवत। शास्त्रों में बताया भागवत का अर्थ क्या है, कहते हैं भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभि वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु तरणी च भवान्नवे। भागवत चार अक्षर है ना, भाग का अर्थ बताया भाति सर्वेषु लोकेषु, अर्थात ये एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी लोगों को प्रकाशित करता हुआ हरकर विराजमान है। हम लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के और अपने निज धाम को जा रहे थे, तब उस समय पर क्या हुआ, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, कि जब भगवान कृष्ण यहाँ से जा रहे थे द्वापर युग का समापन था, उस समय पर कलयुग के आगमन से, कलयुग मतलब कली, कली अर्थात कलह, कलह अर्थात लड़ाई झगड़ा, तो कलयुग के आगमन से क्या हुआ, पूरा अंधकार यहाँ पर छा गया। अंधकार किसका, अज्ञान रूपी अंधकार, क्योंकि भगवान कृष्ण जब यहाँ से गए अपने साथ धर्म ज्ञान इत्यादि सब लेकर चले गए, तो उस समय पर ज्ञान के अभाव में सब अंधकारमय हो गया, सब अज्ञानी हो गए। तो उस समय पर क्या हुआ, जैसे सूर्य अस्त होने पर जिस प्रकार अंधकार फैल जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के जाने पर पूर्ण रूप में अंधकार हो गया। श्रीमद् भागवत ने उस समय पर सूर्य रूप में उदय होके और पूरे जगत को प्रकाशित किया, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं भाति सर्वेषु लोकेषु, ये एकमात्र ग्रंथ ऐसा है इसको उसकी तुलना दी है सूर्य के साथ में। जैसे जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय के होने से ही अंधकार पूरा मिट जाता है, भूत पिशाचों का डर नहीं रहता, सारे चोर उनका चोर लोग कब चोरी करते हैं, रात्रि के समय पर ना, तो सारे चोर और सब दूर भाग जाते हैं। इसी प्रकार कलयुग के आने से जो धर्म की हानि हो रही थी, वो धर्म की हानि हो क्या दूर हो गई और श्रीमद् भागवत ने पूरे जगत को प्रकाशित कर दिया, इसलिए कह रहे हैं भाति सर्वेषु लोकेषु। उसके बाद में बता रहे ग अर्थात गीयते नारद आदि भी, ये ग्रंथ इतना सर्वश्रेष्ठ है कि नारद वेदव्यास शुकदेव जी ये सब इस ग्रंथ का गान करते हैं। हम आगे जाके श्रवण करेंगे श्री भागवत की महिमा के अंदर किस प्रकार नारद जी से जब भक्ति देवी की भेंट हुई, तो भक्ति देवी ने नारद जी को अनुरोध किया कि आप मेरे पुत्रों की जीर्णता को दूर करो, तो उनके उनका उनका जो जीर्णता हो गई, जो वृद्ध हो गए थे उसको दूर करने के लिए नारद जी ने भी अंततः श्रीमद् भागवत पुराण का गान किया। नारद जी की बात ही छोड़ दो, बोले शुकदेव गोस्वामी, अभी श्रवण कर रहे थे ना शुकदेव गोस्वामी का चरित्र, ये शुकदेव गोस्वामी कितने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन उन ब्रह्मज्ञानी ने उस ब्रह्म सुख को छोड़ के और श्रीमद् भागवत का गान किया, इतना सर्वश्रेष्ठ ये ग्रंथ है। इसलिए कह रहे हैं वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, ये ग्रंथ की सर्वश्रेष्ठता तो इसी से ही प्रमाणित हो जाती है, जब वेदव्यास जी ने सारे ग्रंथों की रचना कर दी, ग्रंथों की रचना करने के बाद में भी उनको शांति नहीं मिली, अंततः उन्होंने जब श्रीमद् भागवतम की रचना करी तभी जाकर उनके हृदय को शांति मिली। तो ऐसा ग्रंथ है ये जिसने जो रचयिता है श्री वेदव्यास जी,
उनको भी शीतलता प्रदान करी, उनको भी संतुष्टि प्रदान करी। तो इसलिए वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु इस ग्रंथ की सर्वश्रेष्ठता और किस लिए है बता रहे हैं, यस्यां वे शुणयाणया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयावह। कि ये ग्रंथ ये श्रीमद् भागवतम इसके श्रवण करने मात्र से क्या हो जाता है, सारा शोक सारा मोह सारा भय दूर हो जाता है। परीक्षित महाराज का जीवन चरित्र हम लोगों ने सुनेंगे आगे जाकर, किस प्रकार जब परीक्षित महाराज को अभिशाप मिला तो उन्होंने क्या किया, एकमात्र भागवत कथा ही तो श्रवण करी, उन्होंने अपनी मृत्यु से रक्षा करने के लिए कोई और उपाय नहीं किया, केवल सुखदेव गोस्वामी के पास बैठे बैठे ये भागवत कथा ही श्रवण कर रहे थे। और श्रवण करते 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 क्या हुआ, उनका सारा शोक सारा मोह, इस संसार से जो हमारा भी मोह है, देखो हमारी भी कितनी ममता है संसार के प्रति, लेकिन सबको पता है एक दिन ये संसार छोड़ के जाना है, और चार लोग कंधे पर लेकर जाएंगे क्या साथ में जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, एकमात्र भगवान का नाम, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, लोग यही बोलते हैं ना। तो सबको पता है कि अंतिम समय पे जो धन दौलत पैसा बच्चे नाती पोते कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, भगवान का नाम भी साथ में जाएगा, है ना, लेकिन फिर भी हमारी इनके प्रति आसक्ति है, इनके प्रति मोह है कि नहीं। तो इसलिए बता रहे हैं सदबंधु है ना, हमारा दोस्त है, बड़ा प्रिय है, तो अपने दूसरे के घर को भी अपने जैसा ही समझेगा। इस प्रकार उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि कृष्ण जब ये देखते हैं कि कोई भक्त के हृदय में इच्छा हुई है मेरी कथा श्रवण करने की, ये कथा प्रभु जी कितने से कितने तक कथा हो आप लोग बैठ के सुन सकते हो, जितना समय से लेकर जितने समय तक लोग हम उतना समय में कथा को विश्राम कर रहे हैं, फिर आपका घर का काम काज है ना। आप लोग बताओ तो सबसे पूछ रहा हूँ, विशेषकर माताएं बोलो, क्योंकि घर की रसोई तो आप ही बनाओ, कल दो से छह कर लेंगे प्रभु जी। हाँ, जब श्री सुत गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते हैं भगवान के चरण में प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, बोले भगवान कैसे हैं, बोले सच्चिदानंद रूपाय, हमारे जो शरीर है पांच चीज से बनी हुई, मिट्टी वायु अग्नि जल और आकाश, लेकिन भगवान का शरीर कैसे, हमारे जैसे शरीर नहीं है, सत मतलब सत्य, चीत मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद, और हम लोग कौन है, हम अमृत सपुत्र, हम सबके सब भगवान की संतान है, संतान होने के नाते कहते पिता में जो गुण होता है ना बच्चे में वही गुण होता है, भगवान सत्य स्वरूप है। इसलिए आप बताओ जगत में कोई मरना चाहते हो, अभी कोरोना आया था ना सबको घर में बंद कर दिया, हम कोई मरना नहीं चाहते, मतलब क्यों नहीं मरना चाहते, कहते हमारे जो पिता है ना जो भगवान कृष्ण राम है ये अजर और अमर है, नित्य शाश्वत है, इसलिए हम उसके बच्चे हैं, इसलिए हम कोई मरना है, इसलिए भगवान के कोई भी मूर्ति देखो, राम को देखो कृष्ण को देखो, उनका जो उम्र नव किशोर नटवर, कभी भी 14.5 साल से भगवान कृष्ण राम की कभी भी उम्र इससे ज्यादा नहीं होता है, भगवान राम का कभी दाढ़ी देखे हो, कभी मोचे देखे हो, नहीं कृष्ण का नहीं, भगवान राम कितना दिन तक थे जगत में जानते हो, कितना साल तक थे, पर बोलेगा 11,000 साल तक थे, भगवान कृष्ण कितना साल थे बोलो, 125 साल तक थे, लेकिन भगवान कोई बूढ़े नहीं है, हम उसके बच्चे हो, बता कौन बूढ़ा होना चाहते, बता कौन बूढ़ा होना चाहते, अगर एक बाल अगर पत्तियां देखा ना उसको उखाड़ देते, ब्यूटी पार्लर क्यों जाते, चपन प्रास क्यों खाते, हम कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहते, क्यों, हमारे जो पति जो पिता है भगवान कृष्ण, ये भी अमरत है और भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हम भी जीवन में ज्ञानी, कोई PhD कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर बनना चाहते, मूर्खों को अगर मूर्ख बोल दो उसको गुस्सा हो जाएगा, बोले तेरे दिमाग नहीं, बोले मेरा नहीं ना तेरे नहीं है, क्योंकि भगवान सर्व ज्ञान स्वरूप है, हैं, इसलिए भगवान आनंद स्वरूप है, इसलिए जिंदगी भर हम आनंद भी ढूंढ रहे, लेकिन अभी प्रश्न है फिर ये हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, बोले कारण है जिसकी चरण में ये चीज है ना उसकी वहां पर हम ये चीज को नहीं ढूंढ करके वो गलत जगह पर ये चीज को ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर ढूंढ रहे हैं, ये माया के संसार में ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें ये चीज नहीं मिलता है, इसलिए कहते सच्चिदानंद रूपाय, बोले वो करते हैं क्या, बोले विश्वोत्पत्यादि है तब,
विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले भगवान है, विश्व तापत्रय विनाशाय कभी जगत में जन्म हो तो सबको ये तीन तरह का दुख उठाना पड़ता है। वो तीन ताप बताया, वो क्या है? एक है आदि दैवी, मतलब देवताओं के द्वारा जैसे जैसा अभी कोरोना आया था, कोई डॉक्टर कोई काम कर पाए? अभी तक अभी कोरोना का कोई सही दवा अभी तक कोई नहीं निकला है। कहीं भूचाल आ जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, गर्मी आ जाए, कोई महामारी, कोई हैजा, कोई ये सब देवता का द्वारा है, है? उसके बाद में आदि भौतिक, भौतिक मतलब एक जीव से जो एक जीव को मिलता है, जैसे कभी सांप काट दे, मच्छर काट दे, कभी देश देश में लड़ाई, कभी जाति जाति में लड़ाई, कभी चाइना पाकिस्तान में लड़ाई, ये सब एक जीव से जो दूसरे जीव है। और जो तीसरा है आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब होता है ये बीमारी सबसे बड़ा बीमारी है। आध्यात्मिक मतलब होता है जो मानस की कष्ट है, सब बीमारी का दवा है, लेकिन मन का जो बीमारी इसका कोई दवा है? और सबको ये मानस की बीमारी सब है, किसको नहीं संसार में है? ऐसे व्यक्ति नहीं जिसका मानस की कष्ट नहीं हो, सबको मानस की कष्ट है। लेकिन कहती सब तुमको दूर कैसे होगा? बोले श्री कृष्ण भयम, अगर कोई ठाकुर का शरण में अगर कोई चले जाए कहते सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया है। जैसे हनुमान, हनुमान जी का नाम सुनेंगे नहीं? कौन कौन हनुमान का नाम सुनेंगे? आप बताओ दिन भर हनुमान जी क्या करते हैं? रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता, दिन भर प्रभु का नाम लेते हैं ना, और प्रभु चरणों की सेवा करते हैं। अपना दुख तो गई, आप सबका दुख भी हनुमान जी दूर करते हैं। इसलिए केवल प्रभु की शरण में जाने पर सब दुख तुम्हारी दूर होगा, नहीं तो और कोई जगत का कोई भी ये दुख हमें कोई दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को ये कथा सुना है कि कथा जब विश्राम हो गई, गोलोक वृंदावन से विमान आया, परीक्षित महाराज एक भगवान की एक गोपी रूप धारण करते हुए बैठे और सीधा उन्होंने भगवत धाम को गए। और इसको देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, केवल भागवत ही तो सुने, लेकिन ये भागवत सुनते सुनते कहाँ चले गए? ठाकुर के पास में। उन्होंने कहा तराज लिया, तराज का एक तरफ में जगत का जितने सत्कर्म है, वही स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल जितना अन्न छत्र खोल दे, सारे पुण्य एक तरफ में रख दिया, और दूसरे तरफ में ये भागवत कथा सुनने का फल रख दिया। जिधर भागवत कथा रखा वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, और जितने सत्कर्म पुण्य था हल्का होकर ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी ने देखा भैया मतलब ये भागवत कथा को सामने ये जगत का कोई भी सत्कर्म, जगत का कोई भी पुण्य को भागवत कथा को साथ ना कोई बराबर नहीं कर सकता, इतने महिमा ये भागवत कथा की। इसलिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया आज से ये ब्रह्म लोक में नित्य निरंतर भागवत कथा चलते रहे, भागवत कथा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक समय श्री नारद जी ये मध्य जगत को उन्होंने सर्वत्र नारद जी भ्रमण किया है, हैं? भ्रमण करके मन को शांति नहीं मिली, तब उन्होंने भ्रमण करते करते उन्होंने देखा चलो हम चलते हैं ये भारतवर्ष में, ये बढ़ते जगत में चलते हैं, हैं? ये बढ़ते जगत में श्री नारद जी बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय सर्वत्र भ्रमण किया, लेकिन देखा ये कलयुग आ गया है। बोले काल व्याल मुखम ग्रास, ये काल एक व्याल रूप धारण करते हुए सर्प रूप धारण करके ये कलयुग में कलयुग जीव को ग्रास कर रहा है, हैं? जीव को ग्रास कर रहा है कलयुग। इसलिए उन्होंने देखा जहां जहां गया, किसी गृहस्थ घर में गया,
देखा वहां पर भी झगड़ा है, वहां पर भी शांति नहीं। किसी तीर्थ जगह पर गए, देखा मुसलमान लोगों ने उसको भी आक्रमण करते हुए बैठ गए। किसी उन्होंने साधु संत की मठ मंदिर में गए, बोले वहां पर भी कलयुग। देखा ये जो कलयुग, ये किसी स्थान को, ये कलयुग छोड़ा ही नहीं, सब जगह पर अपना आधिपत्य को विस्तार करते हुए ये कलयुग बैठा। उन्होंने देखा वृंदावन चलो, ये वृंदावन क्या है, बोले भक्ति नृत्य जत्र चलो, ये जो वृंदावन, ये राधा रानी के हृदय है, ये वृंदावन धाम नहीं, इसका नाम वृंदावन। वृंदा मतलब होता है तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी का वन वही वृंदावन। जिनके घर में तुलसी वृक्ष है ना, जैसे तुलसी वृक्ष, जिनके घर में तुलसी वृक्ष है उसका घर ही वृंदावन है। हाँ बताओ किसकी किसी घर में तुलसी वृक्ष है, हाथ उठाओ, बहुत अच्छी बात है। अब देखना तुलसी जिसके घर में जितने बढ़िया तुलसी होता है ना, आप देखना उसका भक्ति भी उतना बढ़िया होगा, उसका प्रेम भी उतना बढ़िया होगा। और जिसके घर में तुलसी वृक्ष है वृंदावन, जहाँ तुलसी का वन वहीं पर ही वृंदावन धाम है। इसलिए घर घर में जिन्हें कहते ना आली मोहे लागे वृंदावन नी को, आली मोहे लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, सभी मोहे लागे वृंदावन नी को। हरे हरे तुलसी ठाकुर जी हो, बस वही वृंदावन, वही वृंदावन है जिस घर में ठाकुर का सेवा पूजा वृंदावन। इसलिए नारद जी ने देखा भैया चलो वृंदावन धाम में चलते हैं, सब जगह देखा तो कली अपना राज्योत्व में बैठा हुआ, वृंदावन चलो। जब तो वृंदावन में यमुना किनारे में आए, एक आश्चर्य घटना देखा, एक सुंदर स्त्री सिंहासन में बैठी हुई, दोनों पास में दो वृद्ध लेट हुए, कुछ सखियां उनको चावर व्यंजन कर रही थी, पंखा झुला रहे थे। जब नारद जी वहां पर आए, सोचा होगा कोई सत्संग हो रहा है, लेकिन वहां पर देखा रोना था। इतने में नारद जी वहां से भगे, जब भगे वो जो बीच में एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी, बोले भव साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता अपिनाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम पर। बोले बाबा थोड़ी रुको, जा थोड़ी बाबा थोड़ी रुको, कहाँ जा रहे हो साधु बाबा। बड़े भाग्य से जीवन में संतों का दर्शन मिलता है, जब जीवन में किसी संत दर्शन हो जाए, क्या समझो, जब श्री विभीषण को साथ में श्री हनुमान का भेंट हुआ, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, राम के सबसे प्यारे भक्त है। विभीषण क्या कहते हैं, बोले आज मैं भा भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुवीर मोहे अनुग्रह किनी तो मैं दर्श। लगता है आज मेरे ऊपर भी प्रभु राम का कोई कृपा हो गया, नहीं तो मैं कभी सोच नहीं सकता था लंका की चारी तरफ पे राक्षस घिरे हुए, उसका बीच में फिर राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान जी दर्शन, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। लगता है मेरे ऊपर राम का कोई कृपा हो गया, लगता है राम मिलने में ज्यादा देर नहीं होगी, राम मिलने में ज्यादा, क्यों संत दर्शन हो गया ना, संत दर्शन हो गया मतलब है ठाकुर का दर्शन तुम्हें प्राप्त हो गया, अगर सचमुच से संत हो। इतने में विभीषण ने कहा देखो हनुमान जी तेरा मैं एक काम करता हूँ, तो मेरा एक काम कर लेना। बोले बोलो क्या, बोले मेरे पास में माँ है और तेरे पास में बाप है, मेरे पास में कौन है, कौन, बोलो जोर से, सीता माता, कहाँ पर, अशोक, तेरे पास में कौन है, बाप, बाप मतलब प्रभु राम, पूरा कब होता है, बाप माँ जब मिले तब तो पूरा होता है ना, इसलिए मेरे पास में माँ तेरे पास में बाप, मैं एक काम करती हूँ करता हूँ, मैं माँ से मिला देता हूँ और तू मेरे को बाप से मिला देना, बस दोनों का काम बन जाएगा। बोले जा
अशोक वाटिका में माता सीता की दर्शन कर दर्शन किया। जब दर्शन किया विभीषण ने रावण को समझाने के लिए कि अब देख रावण हम पुलस्त वंशधर है, हमारे धर्म नहीं पराई स्त्रियों को उठा करके लाना, ये जगत मा जगत जनी संख्या है, हमारे उचित नहीं किसी पराई स्त्री को उठा करके ले जाना, इसलिए पाप कर जा। उसको वापस देकर कहा रावण को इतना क्रोध हमारा लात मारे किसको विभीषण को, वो लुढ़कते लुढ़कते जाकर गिरा। उसने राजमुकुट रख करके प्रभु राम की शरण में आ गया। जब शरण में आए इतने में उनको जितने बंदर लोग पूछे भैया तू कौन है, बोले रावण नाम एक छोटा भैया। हे सुनता ही ना रहा विभीषण को रस्सी में बांध भूत कर लेकर के आए राम के पास में, रावण का छोटा भैया कल युद्ध होने वाले हैं, बांध करके लाए। लेकिन जब देखा वहाँ हनुमान जी बैठा हुआ ना, उसका कलर ऊंचा हो गया, बोले यहाँ पर ज्ञान परिचित व्यक्ति है हमारे। हनुमान गया था सीता जी को लेने के लिए, परिचित हुआ था, थोड़ा साहस बन गया। इतने में हनुमान जी ने कहा विभीषण जी तुम कैसे हो, बोले एकदम बात मत करो, एकदम बात मत करते मेरे से। बोले क्यों, बोले तू आया था लंका में, मैंने कहा था मैं तेरे को माँ से मिला देता हूँ, तू मेरे को बाप से मिला दोगे, तेरे को तो मैंने अपना काम करा दिया माँ से मिला दिया, मैं आया बाप के साथ मेरे को बांध बुद्ध कर लाए। हनुमान जी ने पूछा ये बताओ तुमने परिचय क्या दिया था, बोले मैंने परिचय दिया था रावण का छोटे भाई, बोले तभी तो बांध कर लाए, अगर तू इतना बोल देता हनुमान का मित्र हूँ तेरे को स्वागत करके ले आते, तेरे को स्वागत करके ले आए। इसका मतलब क्या है, अगर किसी संत की साथ में अगर संबंध जोड़ दोगे ना बेड़ा तुम्हारी पार है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बड़े भाग्य से कई संत दर्शन मिलता है, आज तो मेरा भाग्य जग गया है नारद जैसे। लेकिन फिर आप जा रहे हो, रुक जाओ थोड़ा बाबा नारद। नारद जी ने बोले आप कौन हो, बोले मेरे को आप भूल गए हो, बोले लगता है कि कहीं देखा तो याद नहीं आ रहा है। कहते मैं कौन हूँ, बोले अहम भक्ति रीति ख्याता इमं मे तनयो मतो, बोले मेरे नाम भक्ति है, ये मेरे दो बेटे है, एक ज्ञान है एक वैराग्य। जगत में क्या होता है, माँ होती है वृद्धा, बच्चे होते हैं जवान, लेकिन देखो मेरे दुर्दशा देखो, माँ तो जवानी बन करके बैठी हुई और दोनों बेटे बूढ़े हो गए, इसलिए काल जो गए मैं जर जीता, इसलिए आप कृपा करो। बोले कैसे हो गए, बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहब वृद्धि करना टके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कहते हैं मेरी जन्मा बल उत्पन्ना द्रविड़े साहब, द्रविड़ देश में तो मेरा जन्म हुआ लेकिन कर्नाटक में जाकर बड़ी हुई, लेकिन महाराष्ट्र में कहीं आदर मिला, लेकिन जब मैं गुजरात में आया ना एकदम बूढ़ी हो गई। बोले क्यों, बोले कारण है जो गुजरात उस समय बहुत नास्तिक देश था, अगर कोई चोटी धारण करने वाले अगर कोई गले में कंठी तिलक लगाने वाले अगर देख लिया ना, जब तक देश से इसको खदड़ करके बाहर नहीं निकाल देंगे तब तक वो संत को नहीं छोड़ते थे। कोई अगर संत अगर आ गया है किसी घर में तुलसी के वृक्ष नहीं, कहीं ठाकुर जी का पूजा नहीं, कहीं राम राम कृष्ण कृष्ण कुछ नहीं, इसलिए भक्ति देवी कहती मैं तो वहाँ अगर बूढ़ी हो गई, क्यों भक्ति का कोई आदर नहीं। लेकिन अगर आप गुजरात में जाओगे ना देखो कि तो सबसे ज्यादा कहीं भक्ति देखो गुजरात में, ये मोदी कहाँ थे, ये गुजरात है, जितने बड़े से बड़े पैसा वाला देखो कहाँ से देखो गुजरात है। बोले इतने धनी कैसे होंगे सबके साथ, इतने भक्ति कैसे होंगे, कारण है वहाँ पर बड़े बड़े संत लोग जन्म हो गए, तुकाराम जन्म हो गए, नामदेव जन्म हो गए, श्री बल्लभाचार्य संत जन्म हो गए। बोले जिस देश में के संत जन्म हो जाता है ना वो देश फलते फूलते जाता है, एक संत जन्म लेने का इतना सौभाग्य हो। ये आपका देश का नाम क्या है, राजस्थान। राजस्थान भक्ति में क्यों हरी भरी हुई, मीरा जन्म, मीरा कहाँ की थी, तुम्हारे देश की थी, हैं? इसलिए ये जो आपका देश में जो भक्ति, इसलिए पहला नंबर तो गुजरात, बल्कि उससे ज्यादा देखोगे भक्ति करने वाले आपका राजस्थान है। राजस्थान में देखोगे सबसे, अगर कोई गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए कोई जाते है ना, कहीं भी पूछ लो कहाँ से आए, राजस्थान से, कहाँ से आए हो, राजस्थान से। लेकिन यहाँ पर भी संत लोगों ने जन्म हुई है, मीरा जी जन्म हुई है, संत लोग जन्म हुई है, उनका आशीर्वाद से आप लोग का हृदय में ये भक्ति आ गई, ठाकुर जी की प्रेम तुम्हारे हृदय में आ गई है। इसलिए कहते जिस देश का लोग, हाँ जिस देश का लोग ज्यादा प्रभु की भक्ति सेवा पूजा करते हैं ना,
बताओ लक्ष्मी कहाँ रहती है? नारायण के चरण में। कहाँ रहती है? नारायण के चरण में लक्ष्मी रहती है। इसलिए गुजरात में इसलिए इतना लक्ष्मी है, पैसा है, क्योंकि घर घर में तुलसी, घर घर में ठाकुर को पूजा देखोगे, घर घर में भक्ति करने वाले, गले में कंठी देखोगे, तिलक लगाते हुए देखोगे। ब्रज मंडल परिक्रमा होता है, 40 दिन तक वहाँ के माताओं ने चल चल करके 40 दिन तक 84 वर्ष की परिक्रमा लगाती, बड़े भक्ति करती हैं। इसलिए जिस देश का लोग जितने भक्ति प्रभु का प्रेम करोगे ना, वहीं पर उतना धन दौलत वहीं बरसती है, वहीं पर ही धन दौलत बरसती है। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन गुजरात में आकर के बुढ़ी हो गई, लेकिन जब वृंदावन आ गई ना, बस वृंदावन राधा रानी का हृदय है। राधा रानी अपना हृदय को ही ये वृंदावन धाम रूप में अपना हृदय को बिछा करके रखी, लेकिन वृंदावन में आकर के मैं युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों बच्चे क्या हो गए? बूढ़े हो गए। बल्कि ये बूढ़े क्यों हो गए? बोले कारण है, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई चाहते नहीं, वहां तो प्रेम की धारा है। कहते ना, ज्ञान बजाए डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल, है वहां तो प्रेम की ढोल बज रही है। ये ज्ञान वैराग्य आकर कोई पूछते नहीं, इसलिए वृद्ध हो गए। नारद जी, मेरे बच्चों को तो जवानी बना दो। नारद जी ने प्रतिज्ञा की, बोले कोई चिंता मत करो, भगवान की शरण में जाओ। द्रौपदी जब ठाकुर की शरण में गई, द्रौपदी का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो? सब जानते हो। इसकी 5-5 पति थे। कितना थे? 5-5 पति थे। सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी कौन? अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ गदाधारी कौन? भीम। सर्वश्रेष्ठ तलवार युद्ध में? नकुल सहदेव। और भाला युद्ध में? युधिष्ठिर। कहते हैं कि 5-5 पति थे। अगर किसका एक पति ज्यादा बलवान हो ना, पैसा वाला हो, उसका पति है अभिमान में चलती है, अरे मेरे पति इतने पैसे वाले। लेकिन उसी समय द्रौपदी की एक से एक 5-5 पति सर्वश्रेष्ठ, सबके सब एक एक धुरंधर थे। लेकिन जब इसकी वस्त्र हरण हुई, बताओ कोई पति काम में आए उसकी? बताओ कोई पति काम आए उसकी? कोई भी काम में नहीं आए उसकी। वहां पर भी कौन थे? पितामह भीष्म थे, धृतराष्ट्र थे, द्रोणाचार्य थे, उनको तरफ पे भी आग फाड़ फाड़ कर देख रही थी। हैं, ये बात कौन कह रही है? द्रौपदी अपना पुत्र को, तो पुत्रा को कह रही है। बोले पुत्रा ध्यान देकर सुनो, आप भी ध्यान देकर सुनो। कभी मेरे आजमाया हुआ जीवन में, मेरे इतने बड़े बड़े पति थे, लेकिन जब मेरे वस्त्र हरण हुई, ये कोई भी एक काम नहीं आए, जब कोई भी काम नहीं आए, उस समय मैंने हाथ उठा करके हे गोविंद राग शरण अब जीवन हारी, हे कन्हैया हे श्याम सुंदर, मैं तो सोच रही थी, बड़ा अभिमान थी, इसे कोई काम में आने वाले, कोई मेरे काम में नहीं आए, हे गोविंद राख शरण अभी मैं तेरे शरण में। बस दोनों हाथ उठाते ही भगवान स्वयं ठाकुर जी वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। 10,000 हाथी गज बल घटो, घटो ना दस गज चीर। इसलिए जिसको ऊपर में ठाकुर को कृपा करते ना, जो सहाय रघुवीर, जिसको ऊपर में ठाकुर जी की कृपा कहते ना, जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जे जगह बैरी होई। इसलिए या द्रौपदी कहती, अगर शरण में जाना तो कृष्ण की शरण में जा, ये दुनिया किसी व्यक्ति की शरण में मत जाएगा, मना कर देती। ये जो दुनिया में कोई तुमको बचाने वाले नहीं, मेरे 5-5 पति भी कोई काम में नहीं आए, आए तो एक मुरली वाले आए। ब्रसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए यहाँ पर कौन कह रही है? यहाँ पर नारद जी कह रहे, वस्त्र भी जो ठाकुर जी की शरण में चले जाते हैं, ठाकुर जी उनको सब दुख दूर कर देते हैं। तुम ठाकुर को स्मरण करो, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारे दोनों बच्चों को मैं जवानी बनाने के लिए। भक्ति देवी बोली, अगर मेरे बच्चों को तू जवानी बना दिया, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ तेरे हृदय छोड़कर कभी मैं नहीं जाऊंगी। इतने में श्री नारद जी उनको कानों में वेद उपनिषद पुराण समस्त शास्त्र एक एक करके जोर जोर कर बोले, लेकिन उनकी आंख ही नहीं। जब उन्होंने भगवत गीता बोली ना, गीता कौन है? बोले जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिर्सितम्। साक्षात कृष्ण के मुंह से ही गीता निकली है। लेकिन जब उन्होंने गीता बोली ना, उनका आंख थोड़ी उन्होंने कोशिश किया बैठने के लिए, लेकिन जब गीता खत्म हो गया ना, धड़ाम करके गिरे। नारद जी के हाय रे, ये गीता ठाकुर के मुंह से निकली वाणी, तभी इनकी चेतनता नहीं हुई। बोले कारण क्या?
बोले कारण है गीता में 18 अध्याय, कितना अध्याय? 18 अध्याय, उसमें 6 अध्याय ज्ञान की महिमा, 6 अध्याय कर्म की महिमा और बीच में ये भक्ति की महिमा, वहां पर भी कहीं ज्ञान कर्म की महिमा बताई गई। शुद्ध रूप में भक्ति की बात है लेकिन उतना नहीं, इसलिए कथा सुनकर के नहीं हुई। लेकिन बड़े दुखी हो गए, सर्वत्र उन्होंने प्रश्न किया लेकिन कोई इनकी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन जब उन्होंने बद्रीनाथ में श्री चतुस्सन को पूछे ना, उन्होंने ये बात बताई, बोले नारद क्या भूल गए हो, जब व्यास देव ने सारे ग्रंथ पर रचना कर डाली तब भी शांति नहीं मिली, आप तो बताए थे ये भागवत रचना कर इससे शांति मिलेगी, भागवत क्यों नहीं सुनाते हो? तब नारद जी फिर प्रश्न करते हैं, बोले ये बताओ यदि भागवत है क्या चीज? बोले जो भागवत है, बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भास रूप असो वेदार्थ परिवृणित। कहते ये जो भागवत है, ये जितने वेद पुराण उपनिषद का जो सार सार है, कहते ये श्रीमद् भागवत है, समस्त शास्त्र का निचोड़ भागवत। तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिरुचि, अगर एक बार भी भागवत सुन लेना उसका सब रस उसको सामने टिकी पड़ जाती, फिर कोई रस उसको सामने टिकती नहीं। बोले ये तो भागवत समस्त शास्त्र का सार है, मैंने जब समस्त शास्त्र ही सुना दिया फिर भागवत सुनाने का क्या जरूरत है? तो उन्होंने दो उदाहरण देकर समझाया। बोले जैसे आम का पेड़ देखेंगे आप लोग, है आपका देश में आम का पेड़, जैसे आम है क्या चीज, ये पेड़ का रस ही आम बनता है। अगर कोई सोचे आम का पत्ता खा करके देखता हूँ आम का स्वाद मिलता कि नहीं, सुलेगा? बोले आपका टहनिया को चीबा मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन आम में जो स्वाद है, यद्यपि वृक्ष का रस ही रूप धरता है फल, लेकिन जो फल में जो आनंद है वो पेड़ का रस में नहीं। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे पूरी बनेगा है, आपने बोले भैया 1 किलो घी ले आओ पूरी बनाने, किसी ने 10 किलो दूध ला कर रख दिया, क्या दूध में पूरी बनेगी? क्यों, दूध में तो घी निकलती है ना। बोले बोले भाई मैंने बताया तुमको ले आओ क्या घी ले आओ पूरी बनाना, तो दूध ले, बोले दूध में तो घी। बोले भैया दूध में जो घी में जो काम होगा ना, यद्यपि दूध में घी है लेकिन जो घी में जो काम होगा वो दूध में नहीं हो सकता है। उसी तरह कहते ये जो श्रीमद् भागवत है, ये समस्त शास्त्र का जो निचोड़ है, ये भागवत है, ये भागवत में जो आनंद है ना, और किसी में ये आनंद नहीं जो भागवत सुना। बोले आप जैसे पत्ता कहाँ मिलेगा, आप ही सुना दो। चतुस्सन बोले ठीक है। बोले कहाँ पर सुनाएंगे? बोले हरिद्वार में सुनाएंगे। जब ये खबर पता चला ना ब्रह्म लोक से, देव लोक से, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, ऐसे कोई देश नहीं रहा जो कथा में नहीं आए, भागते भागते आए। सर्वप्रथम तो वैष्णव लोग ही भागते भागते आए क्योंकि वैष्णव का धन है। लेकिन जो नहीं आए, अगस्त ऋषि घर घर में रहे। बोले तुम्हें सुना है? बोले किया। बोले चतुस्सन हरिद्वार में कथा कर रहे हैं, बड़े भाग्य से कथा सुनने को मिलता है, सारे देवता ब्रह्मर्षि देवर्षि सबके सब कथा सुनने के लिए, चलो सबके सब हम कथा सुनने के लिए जाते हैं, सबको कथा सुनाने के लिए ले आए। जब कथा सुनाने जा रहे थे, देखो ये कथा की कितनी महिमा है, जहाँ पर कथा हो कथा की कितना महिमा। एक तो पृथ्वी का सारे ऋषि मुनि तीर्थ अयोध्या मथुरा है काशी गोदावरी चारिधाम केदारनाथ बद्रीनाथ सबके सब आए, समस्त ऋषि मुनि आ गए। यहाँ तक भी स्वर्ग के देवता लोग जब देखा ये भागवत कथा हो रही है, स्वर्ग से उन्होंने पारिजात पुष्प की बौछार की, धुंधली बजाए शंख बजाए नगड़ा बजाए है। बोले श्रीमद् भागवत कथामृतम् की जय। कोई जय कोई है बोल रहे फिर से बोलो। देखो जो जितने जोर से भगवान की जयकार देता ना, इस चीज को समझो, क्या भगवान की जय होने में बाकी हो गया? उनका तो जयकार है ही है, लेकिन जो व्यक्ति उनका जय देता है ना, भगवान का जयकार है हर समय, लेकिन उनको जो जयकार देता ना उनका ही जय होता है और उसका उतना पाप उड़ जाती है। जितना जोर से जय लोगे सारे पाप खत्म हो जाएगी, उतना जोर से तुम्हारी जय होगी। श्रीमद् भागवत कथा की जय। अभी लग रहा है इसलिए क्या ठाकुर को तक जाएगा ना, गोविंद देव तक जाएगा, इसलिए सबके सब जयकार किया। इसका तात्पर्य है कहीं अगर
तथा देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं, वो भी जयकार देते हैं, हैं? अभी भक्ति देवी भी अपना दोनों बच्चों को लेकर के आ गई। देखो कथा सुनने वाला का कितना महत्व है। देखो जब भक्ति देवी दोनों बच्चों को लेकर के आए, बोले हमें भी तो कहीं स्थान दो, बोले आपका स्थान है सबका हृदय। ये भक्ति देवी कौन है? राधा है। इसका तात्पर्य जो कथा सुनते हैं ना, उसके हृदय में श्री राधा रानी की भक्ति देवी की उसके हृदय में निवास हो जाता है। अगर राधा रानी की इसके हृदय में बैठ जाए, वो कौन है? लादिनी शक्ति, जो आनंददायी भगवान को जो आनंद देती है। वे जितने कथा सुन रहे थे ना, सबके सब आनंद में विभोर हो गए कथा सुन करके। जब चतुसन कथा सुनाए, कथा श्रवण करते ही क्या हुआ, कहते गोलोक वृंदावन में साक्षात राधा कृष्ण वहां पर उपस्थित हो गए परिकरों को साथ में। वहां पर नारद जी उपस्थित हुए, वहां पर श्री व्यास देव उपस्थित हुए, सुखदेव गोस्वामी, और वहां पर अर्जुन और सबके सब उद्धव जी वहां प्रकट हो गए। कोई मृदंग बजा रहा था, कोई मजरा बजा रहा था, ये सबके सब कीर्तन कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय। सुखदेव गोस्वामी जैसे भजन बोल रहे थे, उसी के अनुरूप भाव भाव से सुखदेव गोस्वामी नृत्य कर रहे थे, और कथा की इतना प्रभाव रहा। क्या प्रभाव रहा? वहां पर जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े थे ना, जितने इंसान थे, सबके सब तो भगवत लोक में चले गए। यहाँ तक भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को भी भुक्ति मिल गई। सभी के लिए रथ आया, सबके सब कहाँ चले गए? ठाकुर के पास में। देखो आप लोग भी कथा सुन रहे, जब कथा विश्राम हो जाएगा ना, आप सभी के लिए भी एक रथ आएगा ठाकुर का धाम से। बताओ कौन कौन जाएगा? देखो ये हाथ नहीं उठा रहे, कब जाएगा? आप सब झूठ बोल रहे, सचमुच से रथ आ गए ना, यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा भाग में। बोलेगा अभी पति है, अभी बेटी की शादी नहीं, पति को कौन रोटी बनाकर खिलाएगी, हमारे घर का काम काज भी है। देखो भैया चिंता की बात नहीं, देखो तब तक ही रथ नहीं आएगा जब तक सचमुच से हृदय से हमारी समस्त कामनाएं पूरी नहीं हो जाए। इच्छा जब खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ही रथ आने वाले नहीं। चले कोई चिंता मत करो, अब खूब कथा श्रवण लग रहे हैं। हाँ, लेकिन जो कथा सुने थे ना, यहीं पर ही भगवान का धाम प्रकट हो गया है। अभी कहाँ बैठे हो? भगवान के धाम में बैठे हो, वृंदावन में ही बैठे हो, और कहीं नहीं बैठे हो, हैं? इसलिए रथ की जरूरत नहीं, आप तो भगवान के धाम में बैठे हो। इसलिए जब सबकी सबको उद्धार हो गया ना, नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। जब चतुसन को उन्होंने प्रश्न किया, अगर कोई व्यक्ति प्रेत जन्म में पड़ा हुआ है, किसी तरह से उसको उद्धार नहीं हो रहा है, बड़ा कष्ट उठा रहा है, क्या उनको मुक्ति मिल सकती है कथा से? बोले क्या बात करते हो, जब कथा सुनते सुनते प्रभु की प्रेम, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति हो गई, अब तू कह रहे जो प्रेत जनि में पड़ा हुआ है उसको उद्धार नहीं होगा? ये तो चुटकी बजाते ही उद्धार हो जाएगा जो प्रेत जनि में पड़ा हुआ। फिर उन्होंने श्री आत्मदेव का कथा सुनाई, कैसे तुंग भद्रा नदी के किनारा में कैसे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। घर में सब सुख, घर में किसी चीज की कमी नहीं। आत्मदेव कैसे थे? सर्वप्रथम एक व्यक्ति क्या चाहता है बोलो? किसी अच्छे घर में जन्म हो, ब्राह्मण घर में जन्म हो। उसको बाद में क्या चाहते? सुंदर शरीर हो। इतने सुंदर थे देखने में, कर द्वितीय की वह भास्कर, दूसरे सूरज जैसे इतना तेज। उसको बाद में चाहते हैं पैसा मिले, पैसा की था नहीं इतने पैसा। उसको बाद में क्या चाहते हैं? पत्नी सुंदरी हो, पत्नी भी बड़ी सुंदरी पत्नी है। हर चीज एक व्यक्ति जगत में जो चाहता है ना, वो सब कुछ उसको घर में विद्यमान था, लेकिन तभी घर में शांति नहीं। उसको घर में शांति शांति नहीं। बोले क्यों नहीं शांति? सब चीज तो घर में है। बोले घर में कोई औलाद नहीं। बोले औलाद क्यों नहीं? देखो ये चीज को अच्छे तरह सुनो, ये जो पैसा है ना, ये लक्ष्मी है। पैसा कौन है? ये लक्ष्मी किसकी है? नारायण। नारायण।
अगर ये लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में नहीं लग रहा है, ठाकुर को सेवा में नहीं लग रहा है ना, भले ही घर में जितने पैसा है, ये पैसा घर में शांति सुख को नहीं देगा, क्योंकि लक्ष्मी भगवान की है। इसलिए घर में देखो एक चीज आज लेके भी जाओ, घर में जो कुछ खाओ ठाकुर को भोग लगा करो, लेकिन प्याज लहसुन खाओगे तो भोग नहीं लगा सकते। इसलिए कोशिश करना प्याज लहसुन छोड़ करके जो कुछ खाओ, पैसा से सब चीज खर्च करते, सब चीज पैसा से लेते हैं, पैसा से खर्च करते, पैसा लक्ष्मी सब चीज खर्च किया। जब तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल होएंगे, ठाकुर तो होएंगे, जब ठाकुर के सामने धर दिया तुलसी बता देकर क्या होगा, ठाकुर जी भोग पा लिया, तो लक्ष्मी को किसने भोग किया, ठाकुर जी लक्ष्मी। आप देखना घर में जैसे खाओगे अर्पण वैसे बनेगा, ठाकुर का प्रसाद आशीर्वाद है ना, तो घर में आनंद आनंद आ जाएगा घर में। लेकिन अगर प्याज लहसुन डालते हो ठाकुर को भोग नहीं लगा तो लक्ष्मी नाराज होती है, लक्ष्मी नाराज होती है, लक्ष्मी खुश नहीं रहती। इसलिए घर में सब चीज है घर में, लेकिन सुख शांति नहीं, क्यों, लक्ष्मी को ठाकुर को सेवा में नहीं लग रहा है। इसलिए नियम है एक चौथाई नहीं तो 10% कोई अच्छे काम में, भगवत सेवा में अच्छे काम में लगाओ, फिर वो लक्ष्मी घर में सुख देती है, अथा पैसा सुख शांति नहीं घर में, बच्चा है नहीं घर में। इसलिए उन्होंने लास्ट में उन्होंने गैया लाए तो गैया बांझ हो जाए, पेड़ लगाए पेड़ पे फल नहीं हो, पूर्वजों को कोई चीज दे लगता है कोई गरीबी चीज दे रहा, बड़ा दुख है। एक दिन आत्महत्या करने के लिए गया, लेकिन जब आत्महत्या करने के लिए गया, देखो जब भगवान किसको पर कृपा करते हैं ना, किसी ब्राह्मण रूप में आते हैं, नहीं तो किसी साधु रूप में ठाकुर जी आते हैं। भगवान ने देखा इसको पास में किसी चीज की कमी नहीं, सब चीज भरपूर थी, लेकिन संतान तो नहीं, इतने के काम के लिए वो प्राण त्याग देगा। ठाकुर जी स्वयं साधु बनकर ठाकुर जी आए, बोले भैया क्या बात है, तो ये रो रहे हैं क्यों, बोले बाबा घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन घर में जो औलाद है भगवान का, देख बेटा अगर औलाद नहीं कोई दुख मत करो, है कोई दुखी न हो, घर में ठाकुर जी को रख लो, जुगल जोड़ी रख लो, नहीं तो कृष्ण को गोपाल जी को रख लो, उनको ही अपना बेटा मानो, है उनको ही बेटा मानकर उनकी सेवा करो, कृष्ण जैसे बेटा दुनिया में मिलेंगे। देखो ये सच बात है, वृंदावन में एक माता जी थी, सारा जीवन उन्होंने कृष्ण सेवा की, घर में लड्डू गोपाल अपना बेटा रूप में सेवा की, है बेटा रूप में, जब तो बूढ़ी हो गई ना, अभी उसको हर व्यक्ति तो सोचते हैं ना, जब हम जब वृद्धावस्था आ जाएगा फिर बेटा नहीं होगा तो फिर हमारी सेवा कौन करेगा, लेकिन सारे ज्ञान जो उन्होंने गोपाल को दिया, उन्होंने जब बूढ़ी हो गई ना, ठाकुर जी स्वयं पानी भर के लाते थे, मार्केटिंग करके रसोई बनाते थे, घर पोछा लगाते थे, ठाकुर स्वयं, और भगवान स्वयं कहते हैं जो जिंदगी भर मेरे सेवा करेगा, अंतिम समय में जो मेरा सेवा नहीं कर पाएगा मैं उसको सेवा करूंगा, भगवान खुद कहते हैं मैं स्वयं उनको सेवा करूंगा, क्योंकि जिंदगी भर उसने मेरे सेवा की। लेकिन इसी जगत में आपको पता है जब तक घर में बहू नहीं आ जाती ना, है बहू, जब बहू घर में नहीं, दुनिया क्या सोचता है, सबके घर में बहू, मेरे घर में बहू नहीं, मेरे घर, लेकिन जब बहू आ जाने बोले हाय रे बहू कैसे आ गई, हाय रे बहू कैसे, तो पता नहीं एक रात में क्या मंत्र थी, दूसरे दिन बेटा कभी दिखा ना। लेकिन ये कभी धोखे दे सकते, लेकिन कभी ठाकुर जी कभी तुम्हें धोखे नहीं देंगे, कभी ठाकुर धोखे नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने समझाया, देख बेटा ठाकुर को अपना बच्चा मान लो, बोले नहीं हमें तो बेटा चाहिए, उन्होंने बहुत समझाए। सगर महाराज के भी 10,000 बच्चे थे, हैं आपने सुना होगे श्री हमारे श्री चित्रकेतु महाराज के, उन्होंने 100 करोड़ उन्होंने शादी किया, बोले सुख मिला, बोले नहीं हमें तो बेटा चाहिए, हमें बेटा चाहिए। तब उन्होंने देखा, बोले देख बेटा तेरा जो ललाट है ना, मैं पढ़ करके बता रहा हूँ, तेरे को 7 जन्म तक बेटा नहीं, बोले हाय रे एक जन्म में बेटा नहीं, इतना दुखी, कहते 7 जन्म तक बेटा नहीं। तब उन्होंने उनका चरण में गिर पड़े, बोले कितना जो ना करे लकीरी सो करे फकीरी, समझ रहे हैं, लकीरी मतलब होता है भाग, जो तुम्हारी भाग्य नहीं, कहते जो फकीरी मतलब संत, संत तुम कृपा करते हो वो हो सकता है, संत के चरण पकड़ लिए, बोले मेरे को संतान तो नहीं तो आत्महत्या कर लो। तब उन्होंने एक फल को तोड़ करके बोले इसको पत्नी को खिला देना, बड़े सुंदर बेटा जन्म लेगा। लेकिन देख बच्चा, पत्नी को बोलना गर्भवती धारण करते समय इधर उधर गंदी गंदी चीज को नहीं देखे, नहीं पड़े, बड़ा सुंदर बच्चा जन्म लेगा। जब फल को लेकर के आए, दुखी हो गए, उसकी सहेली थी, बोले क्या बात है, बोले देख मेरे पति जी कहीं से फल लेकर के आए, बोले फल खाओ तो बच्चा होगा, ये पुरुषों को क्या पता, गर्भ में 9 महीना तक गर्भ में बच्चा धारण करना,
मैंने सुना सुखदेव गोस्वामी 16 साल के थे, फिर प्रसव पीड़ा, फिर बच्चों को लालन पालन कितना कठिन है, पुरुषों को क्या पता, स्त्री को पता, किसी ने फल देकर बोले खिलाओ, बच्चा हुआ दुखी हो गए, बोले चिंता मत करो, तेरे पति के पास में पैसा, मेरे पति के पास में पैसा नहीं, कुछ पैसा दे दो मेरे पति को और तू ये गैया को बांझ है उसको फल खिला दो और उसको परीक्षा करने के लिए गैया को खिला दो, पेट में कपड़ा बांध करके सोते रहो और जब बच्चा होगा ना मैं गर्भवती मैं बच्चा दे दूंगा फिर तुम हो जाएगा। बात उसने ऐसे कर दिया, जब ऐसे की जब उसका बच्चा पत्नी ने हल्ला मचा दी, हे पति तो खूब खुश हुए, खूब नाचे खूब गाए हैं, लेकिन भगवान की देन है, जब तक देखना बच्चा नहीं होगा ना स्तन में दूध नहीं उतरती, बच्चा होते ही ठाकुर जी दूध अपने आप उतरती है लेकिन स्तन में दूध नहीं, स्तन सूखा पड़ा हुआ। पति को बोला, बोले भैया मेरे को क्या पता, बोले मैंने सुना मेरी सहेली की भी बच्चा हुआ, उसको ला कर ले आओ, बोले कोई बात नहीं जिसका बच्चा वही पाल रहा है, लेकिन जो गैया को फल खिलाया था भाई इतना सुंदर बच्चा जन्म हुआ क्यों, संतों का तो दिया हुआ वस्तु, अगर हम सचमुच से अपना जीवन में ग्रहण करेंगे ना तो कभी नष्ट नहीं जाएगा, कभी संतों का दिया हुआ वस्तु को ठुकरानी नहीं चाहिए, उसको आदर पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। जो गैया अभी तक बांझ थी इतने सुंदर बच्चा राजकुमार जैसे बच्चा जन्म दिया, कान केवल गैया जैसे शरीर राजा जैसे, सारा दुनिया देखने के लिए आई, बोले क्यों, बोले ठाकुर जब देते नहीं देते नहीं, जब देते हैं छप्पर, बोले जोर से छप्पर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं, घर में बच्चा भी गैया भी बच्चा दिया और उसका भी बच्चा हुआ दुनिया देखने के लिए आए। देखो एक छोटी सी कहानी सुन लो, ठाकुर कैसे छप्पर फाड़ कर देते हैं, बोले एक समय दो पति पत्नी थे बड़े भक्ति करने वाले भजन करने वाले, एक समय उसका पति शौच क्रिया में गया था, देखना पहले जब शौच क्रिया जाते थे मिट्टी हाथ करते थे, मिट्टी से हाथ साफ करते थे, जब उसने वहां से मिट्टी उठाया ना देखा वहां पर एक ढक्कन मिट्टी का और ढक्कन देखा तो एक एक कलसी है जिसमें हीरे जवाहरात जो भरा हुआ, लेकिन वो बहुत बड़े संत थे, बोले राम 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 राम, सवेरे सवेरे हीरे जवाहरात दिख पड़े और ढक करके आ गए और अपना पत्नी को ये बात बताई, लेकिन उसी समय में कुछ चोर चोरी करने के लिए आए थे उसको पीछे बैठे हुए थे, बोले ये तो बड़ा पागल है, हैं बड़ा मूर्ख है, सोने की हैं सोने की छोड़कर असर भी है, वो छोड़ करके उसने आ गया, बोले अच्छा हुआ हम सुन लिया, चलो हम उसको उठा करके ले आते, जब वो गए ना, लेकिन ये संत थे इसलिए उनको सोने की असर भी दिख रहे थे, लेकिन वो जब उसको ढकन वो पहले देखा जहरी सर्प बिच्छू तत्या भरा पड़ा हुआ, बोले तो बड़ा दुष्ट, ये तो हमें मरवाने के लिए बताया, बोले इसको ले करके ना उसको घर में फेंक करके आते, चलो उसको ले करके आए और छत के ऊपर चढ़े करत से उसको काटे, काट कर बोले यही मरे है, हमको मरवाना चाह रहा था, जब वो कलसी को ऊपर से फेंका उसमें क्या था, हीरे जवाहरात था, हीरे जवाहरात था, जब ऊपर से फेंका वो मिट्टी का कलसी टूट गया, घर घर में एकदम हीरे जवाहरात से बिखर गया, बोले भैया ठाकुर जब देते नहीं देते नहीं, जब देते हैं छप्पर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं, हैं बोले बहुत अच्छी बात हुआ, हम तो छोड़ करके आ गए थे, ठाकुर को इच्छा से जब आए खूब रोज भंडारा करो, ठाकुर को भोग लगाओ और साधु संतों की सेवा करो, रोज उन्होंने भंडारा करना शुरू किया, अभी बच्चा का नाम संस्कार हुई, लेकिन धुंधली बोले देखो मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधु कह रखनी चाहिए, देखो देखो आप लोगों की बात को समझो, बच्चों का नाम है ना जैसे तैसे नाम नहीं देनी चाहिए, किसी ज्योतिष को बुलाओ, जन्म नक्षत्र को देखो, उसकी कौन सा ग्रह में जन्म हुआ है उससे अक्षर निकलता है, वो अक्षर को पहले रख करके कोई भगवान का नाम हो नहीं तो भक्त का नाम हो, इधर उधर नाम नहीं देनी चाहिए, आगे हम सुनेंगे नाम की कितने महिमा, अजामली बेटा का नाम नारायण रख लिया तो उधर हो गया, इसलिए इधर उधर नाम नहीं रखने चाहिए, अगर बच्चों का इधर उधर नाम रखोगे ना, देखो आप लोग तो हिंदू है फिर ना बच्चे का शादी का समय में जन्म पत्र मिलाते हैं, नाम से मिलाते हैं ना, है मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, कारण क्या है, कारण है अगर जन्म पत्र मिला करके शादी करवाओ तो देखना जिंदगी भर तो ना आनंद में रहेगी, घर गृहस्थी बैठा रहेगा, अगर जैसे तैसे नाम रख लोगे ना अरे जन्म पत्र मिलाओगे, जन्म पत्र मिलेगा नहीं, जन्म पत्र नहीं मिलेगा फिर तो लास्ट में जा करके लड़ाई झगड़ा अशांति घर में, घर में ये बच्चे को ले जाओ, ए बच्ची इधर आ जाओ, ए बच्ची आ गया
इसलिए कहते फिर लास्ट में जाकर एक लड़ाई झगड़ा फिर घर में अशांति होता है, लेकिन उन्होंने क्या रखी थी आपका नाम धुंधुकारी, और जो कैया से जन्म हुआ उसका नाम रखते हैं गोकर्ण, लेकिन अभी गोकर्ण पंडित ज्ञानी और धुंधुकारी महाकाल इतने दुष्ट बना इस घर में आग लगा दी, कुत्ते को साथ में दिन भर रहे और कुत्ते को साथ में भोजन करे, किसी घर में किसी कुएं के पास में बच्चे को देकर धक्का मार गिरा दे, शाम होते 15-20 शिकायत। अभी उसका संत की बात याद आया, संत बोल रहे थे बेटे से सुखी नहीं बनोगे सुखी बनोगे, ठाकुर का भक्ति से बात सही बता रहे थे, बच्चा मारता है पिटता है दुखी होकर के अपना गोकर्ण के पास में गए, गोकर्ण दिव्य ज्ञान प्रदान किया, बोले पिताजी इस सारे माया की ममता को छोड़ो सब संग में जाओ भजन कर इसमें सुखी। तो उन्होंने जाकर के सब संग में जाकर भजन किया, घर में रह गई मैया, इतना पिटाई की मैया को, मैया कुआ में छलांग लगा करके आत्महत्या की, छह बेस्या को बुला करके लाया, कोई बोलते कपड़ा दो कोई गहना दो, राज दरबार में डाकू डाला, उन लोगों ने देखा सवेर होते सियाही लगेंगे तो फिर तो हमें बांध कर ले जाएगा, रहता रात बुरी तरह से उसको मार करके घर में काट दिया और भाग गई, वो बन गया प्रेत। जब गोकर्ण आया देखा प्रेत बन कर बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर गया मैं पिंड दिया तेरे को मुक्ति नहीं, बोले भैया मैंने इतना पाप कर्म किया मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, बोले कैसे मुक्ति मिलेगी, बोले सूर्यदेव को पूछना, सूर्यदेव को पूछा तो बोले भागवत कथा कराओ इसी से ही मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने जैसे आप लोग आए हैं गांव के लोग को बुलाया, 7 गांठ की 5 गांठ दिया, पहला दिन पहला गांठ दूसरे दिन इस 7 दिन में 7 गांठ पट गई, वैकुंठ से रथ आया और उन्होंने बड़ी सुंदर विष्णु भक्त बन करके जब जा रहे थे वहां पर गोकर्ण ने प्रश्न किया, बोले देखो यहाँ पर तो इतने सारे लोग बैठे हुए कथा सुनने के लिए, लेकिन आप एक ही रथ बुलाया ये सभी के लिए क्यों रथ नहीं लाए, इस चीज को अच्छे से आप लोग सुन लो, क्या देखो देखने के लिए तो बैठे हुए हैं लेकिन कथा कोई मन से नहीं सुने, किसी कथा मन से कोई नहीं सुने लेकिन कथा केवल मन से एक व्यक्ति सुना, कौन धुंधुकारी सुना एक मन से, इसलिए एक रथ आया, बोले इनके अंदर में कमी किस चीज की है, देखो कमी किया हमारे अंदर में, बोले विश्वास गुरु वाक्य सो पेट पालने के लिए सब कथा बना दिया, ये किसको मुक्ति मिलता कौन किसको देखा, ये पहला विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे विश्वास कहाँ पर जाते, सिनेमा देखे होंगे, सिनेमा देखे होंगे, सिनेमा क्या चीज है, झूठ मूठ चीज को बेकार चीज को एक रूपक देकर बना दिया, 3 घंटा देखना हाथ फाड़ फाड़ कर बैठे देखेंगे और पैसा देकर फिर देखेंगे, अरे हम पैसा देकर देखेंगे, गंदी गंदी झूठा चीज, सिनेमा पता क्या चीज है, झूठा चीज है कि नहीं, लेकिन उसमें हमारे विश्वास है, लेकिन गीता भागवत में हमारे विश्वास नहीं, पहले पहला नंबर है विश्वास, ये ग्रंथ साक्षात कौन है, ये कृष्ण ही भागवत रूप में हमारी कल्याण करने के लिए ठाकुर स्वयं आए, पहला नंबर विश्वास होनी चाहिए, विश्वास मिले वस्तु सर्वप्रथम विश्वास करिए चीज को है तभी फल मिलेगा। तो एक बच्चा पढ़ाई करता है जैसे सीए डॉक्टर इंजीनियर के लिए कितना साल पढ़ता है, 25 साल, जो बच्चा पढ़ता है उनको पूछो अगर पेपर 10 दिन रह गया ना 15 घंटा रटता है, कल अगर पेपर है रात भर सोएगा नहीं, रात भर पूरा पुस्तकों को लेकर पेपर देगा, लेकिन विद्यार्थी तेरी नौकरी मिलेगा, कितना बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन जो भक्ति किया है ना, सब बिजनेस में फेल हो सकते हो लेकिन भक्ति में भी तो कोई फेल नहीं हुआ, सक्सेसफुल हुए, मीरा फेल हुई, तुलसीदास फेल हुए, ध्रुव प्रहलाद फेल हुए, हनुमान जी फेल हुए, सब सक्सेसफुल हुए, कोई फेल नहीं हुए, लेकिन गंदी चीज में हमारा विश्वास है लेकिन भगवत कथा में हमारे विश्वास नहीं। ये पहला नंबर क्या, विश्वास गुरु वाक्य सो। दूसरा बात बोले स्वस्मिन दिनत्व भावना, कथा कैसे सुने अभिमान छोड़ करके, अभिमान छोड़ करके तीन हीन मन करके, और तीसरा बोले मन दोष दयस्तता, जब कथा सुनो एक मन से, मन एक मन से कथा सुनो, अगर एक मन से कथा सुनोगे ना बस फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए बोले श्रोता बोले दो तरह का, कितने तरह के, दो, जोर से बोलो, कहते एक श्रेष्ठ श्रोता एक साधारण श्रोता, कहते जो श्रेष्ठ श्रोता, इसको याद कर लेना,
जो श्रेष्ठ श्रोता चार तरह के, कितने तरह के मैं कल खुद देखना पर लिया, विशेषकर छोटे बच्चे से भी याद कर गया। पहला नंबर हंस, हंस आप लोग देखे होंगे, हंस को दूध दो देखना वो दूध दूध तो पी लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। अच्छे श्रोता कौन है, जो जीवन में सार को तो उतार और असार को त्याग दे। दूसरा नंबर है मछली, मछली देखे हो अब देखना, मछली का जो पलक है ना कभी नहीं जमती, उसका आँख फर्श में खुली हुई रहती है, है? उसी तरह कथा कैसे सुननी चाहिए, खोल करके आँख एकदम मतलब टकटक लगा कर कथा सुननी चाहिए। तीसरा नंबर नंबर है मधुमक्खी, मधुमक्खी देखे होंगे हर फूलों के ऊपर बैठे बैठे करके वो एक सुंदर छता मधु की छता बना देती है जो भगवान की सेवा में लगी जाती है। और जो चौथा नंबर बोले तोता, तोता है कि तोता की एक विशेष गुण है, आप देखना किसी कच्चे फल में वो चोंच नहीं मारेगा, उसको पता कौन सा फल मीठा उसको पता है, इसलिए मीठा फल में ही वो चोंच मारता। क्योंकि ये चार तरह का अच्छे श्रोते हैं, मतलब चार तरह का कनिष्ठ साधारण श्रोता है। बोले ये कौन है, बोले पहला नंबर है ऊंट, राजस्थान में तो बहुत ऊंट है, इसलिए ऊंट आप देखना ऊंट को कोई कोमल कोमल आम का पता तो नहीं खाएगा, वो बबुल पेड़ खाएगा जिसमें कांटा ही कांटा, अपना मुंह से खून निकलेगा तभी उसको ही खाएगा। इसलिए ये श्रोता कौन है, जो भगवान की सुंदर सुंदर कथा को नहीं सुन करके, जब जहाँ गोष्ठी हो गए ना बाहर देखना सारा दुनिया की कथा, इधर की उधर की राजनीति की पता नहीं कहाँ से कहाँ से कथा, बिना कारण की कथा आदमी लग जाती है, उसे ऊंट है जिसको खा खा करके ऊंट का मुंह से खून निकलता है, दुनिया की कथा सुनकर दुखी होगा तभी वो बात को बोलेंगे, लेकिन कृष्ण कथा में जो आनंद वो कथा को नहीं सुनेंगे। दूसरा नंबर है भुरुण, भुरुण ये रहता है हिमालय पर्वत में पक्षी है, इसको आप जैसे सुनाओ ना वो ठीक वैसे सुना देगा, लेकिन जो करते समय उल्टा करेगा, सुनेगा सुना देगा लेकिन अपना जीवन में नहीं उतारेगा। तीसरा नंबर है बैल, कहते बैल को आप सुंदर सुंदर फल दो नहीं तो उसको घास भूसा दे दो, दोनों को अंदर में फर्क नहीं समझता है, दोनों को जो बराबर मानेंगे, तो कृष्ण कथा हो नहीं तो दुनिया की कोई कथा हो, कोई सब कथा को जो बराबर मानते हैं, हैं? क्या तीसरा नंबर कौन है, क्या तीसरा नंबर है, कहते ये कहते भेड़िया, ये छोटा जाति का भेड़िया बाघ होता है, कहते हिरण को ये कब अटैक करेगा, जब देखा हिरण कोई सुलील शब्द सुनकर तन्मय हो जाता है उसी समय में आक्रमण करता है। मतलब क्या है, कुछ ऐसे श्रोता हैं और खुद तो कथा नहीं सुनेंगे लेकिन जो पास में जो बैठने वाले व्यक्ति जो कथा सुन रहे हैं ना उनको भी सुनने नहीं देते हैं। ये कहते चार तरह का ये साधारण श्रोता, बोले कथा चार तरह का, सात्विक राजसिक तामसिक और निर्गुण। पहला नंबर सात्विक, सात्विक कथा कहते हैं कहते एक महीना दो महीना तो सुने लेकिन उसको बाद में फिर नहीं सुनते। राजसी कथा कहते हैं कि इसको बोले कथा को तो बड़ी धूमधाम से उन्होंने सबको बुलाया, आओ कथा कर रहे हैं कथा देखोगे, उसने इतने पैसा खर्चा करे तो 10 लाख मैं 20 लाख खर्चा करके दिखाऊंगा, हैं उसको उसने इतने पैसा खर्चा करवाया हम भी दिखाएंगे हम भी कितना पैसा खर्चा कर, भक्ति से कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या है बढ़ा चढ़ा करके दूसरों को दिखाना, और स्वयं कथा नहीं सुनेंगे, हैं कथा होते समय इधर उधर घूमते रहेंगे लेकिन कहते नहीं कथा होते समय कथा में बैठो, कथा का जो सार को अपना जीवन में उतार करके देखो, अपना जीवन में उसको उतारो, दिखाने के लिए दूसरों को नहीं अपना जीवन में उतारने के लिए कथा है, हैं? इसलिए एक राजसी बोले तामसी कथा किसको कहते हैं, बोले कथा तो 7 दिन तक हुई है, कभी कथा सुने कभी नहीं सुने, कभी आधा में आए बीच में उठ करके चले गए, किसी तरह से सुन लेना ये तामसी कथा। लेकिन सही कथा किसको कहते हैं, निर्गुण कथा, निर्गुण कथा उसे कहते हैं जिसने अपना जीवन को ही कथा बना, रोज घर में नियम करके गीता हो रामायण हो भागवत हो रोज घर में पढ़े और रोज ठाकुर का सेवा करे तुलसी की सेवा करे, मतलब घर को ही अपना वृंदावन धाम बना दे और अपना जीवन को ही भगवान की भक्ति में जो लगा देते हैं, फिर ये कथा सर्वश्रेष्ठ कथा है। बोले सिंह वृंदावन बिहारी आज के आनंद की जय, जय श्री राम। देखो आज बहुत समय हो गया क्योंकि आज हम लोगों ने लेट में कथा किया था, लेकिन कल आप लोग कितना बजे आओगे, दो बजे आ जाओगे ना, हम 6 बजे के अंदर में प्रश्न करेंगे, लेकिन अगर आप आओगे फिर 5 बजे फिर तो होगी ना, फिर सुनोगे, इसलिए कोशिश करना कथा में कैसे आने के लिए नियम है कथा से पहले आए और कथा के बाद में आरती के बाद में जाए, तभी कथा की पूरा फल आपकी प्राप्ति होगी, ठीक है, इसलिए भाई आरती ले आओ, आरती ले आओ, आरती ले आओ।
आरती से जाते हो। ओ मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, हरे कृष्ण श्री भागवत भगवान की।